तो अल्लामा कह रहे हैं गुलामी के ज़माने में इज्तिहाद नहीं करना। और उसके बाद फरमाते हैं कि इस मिल्लत की जो सीरत है वो कुरान मजीद को फॉलो करने में है। तीसरी बात जो फरमाते हैं इस मिल्लत की एक सीरत भी है, वो कैसे पुख्ता होगी? वो हुज़ूर की सीरत को फॉलो करने में पुख्ता होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التين سورة نمبر 95 والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قسم ہے انجیل اور زبور کی اور طور سینا کی اور اس پورا شہر کی हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया, उल्टा फेर कर हमने सब नीचों से नीचा कर दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे कि इनके लिए भी कभी न खत्म होने वाला अजर है। पता नहीं इसके बाद कौन जजा और सजा के मामले में तुमको झुठला सकता है, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्द के साथ है और रमूज बेखुदी का ताल्लुक कौम के साथ है। आप ये कह सकते हैं कि जो रमूज बेखुदी है वो अल्लामा की जितनी तसानीफ हैं उनमें एक ऐसा बरज़ख है जो पहले को बाद के साथ कनेक्ट करता है। ये जो बातें अल्लामा ने सारे खुदी में कही थी उनको इजमाल कोई सतह पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको रमूज खुदी ने बयान किया। और फिर बाद में जितनी किताबें अल्लामा की आ रही हैं आप देखते हैं कि उनकी तफसीलात हैं, ये उन्हीं नुकात की, उसी फिक्र की और उन्हीं असूलों की, उन्हीं तालीमात की जो अल्लामा ने रमूज बेखुदी में दी है। आगे जाके आप देखें वो सियासी सतह पर, कानूनी सतह पर, समाजी सतह पर और दीन की तफहीम की सतह पर और जो तसव्वुफ़ के बारे से, इस्लाम का जो एहसान का चैप्टर है उसकी तफहीम के बारे से अल्लामा की क्या अप्रोच थी
उसमें वो सारी तफसील आकर खुलती चली जाती है और अब अल्लाह की बात की तरह मेरी सुरत हमारे सामने आती है। क्यों अल्लाह ने रोज़े पे खुदी लिखी, इसका अंदाज़ा हमें जनाब होता है जब हम हज़रत अल्लामा की इस किताब के बाजे को देखते हैं, जिसमें अल्लामा ने इसकी वजाहत की है कि वो ये किताब क्यों लिख रहे हैं। उसके एक दो जुमले आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अल्लामा फरमा रहे हैं कि ये मसल किसी तवील ज़ैल दिवाजे की मोहताज नहीं, रूज बेखुदी का दरवाजा है। तहम इसके मकासद की एक मुख्तसर तशरीह ज़रूरी है। जिस तरह हयात अफराद में जल्ब मुनफात, दफ़ मुजरत, तयीन अमलो ज़ौक़ हक़ाइक आलिया, एहसास नफ्स के तदरीजी नशोनुमा, इसके तसलसल, तोसी और इस्तेहकाम से वाबस्ता हैं। इसी तरह मिलल व अकवाम की हयात का राज भी इसी एहसास या बफ़ल्फाज़ दीगर कोई आना की हिफाजत, तरबियत और इस्तेहकाम में मुस्तमिल है। यानी अब इस जुमले में काफ़ी लंबा जुमला है, पहले अल्लामा सारे खुदी की बात कर रहे हैं और फिर मुझे भी खुदी की बात कर रहे हैं। पहले ये फरमा रहे हैं कि किसी भी फर्द की ज़िंदगी में एक जो करेक्टरिस्टिक होता है वो जल्ब मनफियत होता है, वो कोई ना कोई नफ़ा लेना चाहता है, कोई फ़ायदा लेना चाहता है। दफ़ मुज़र्रत होता है, किसी शर को ज़र देने वाली चीज़ को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता है। तयीन अमल होता है, उसे ये फैसला करना होता है कि मैं क्या अमल करूँ, अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारूँ, कौन सा राय अमल अख्तियार करूँ, मेरा प्रायोरिटीज़ क्या हो, मेरा दीन क्या हो, ईमान क्या हो, मज़हब क्या हो, दुनिया के बारे में मेरा क्या तसव्वुर हो, वगैरह वगैरह। वह ज़ौक़ के हक़ायक़ आलिया और जो आला अफकार हैं इस कायनात के बारे में, जो हक़ायक़ हैं उन्हें अफ़ज़ा करने का जो ज़ौक़ है, ये सारी चीज़ें एक फ़र्द की शख्सियत के अंदर किस पर डिपेंड करती हैं। अल्लामा कह रहे हैं पहली बात जिस पर डिपेंड करती हैं वो उस शख्स के नफ्स के एहसास की डेवलपमेंट करती हैं, दूसरा उसके एहसास नफ्स के तसलसल पे करती हैं, और तीसरा उसके एहसास नफ्स की तोसी पे करती हैं, और नेक्स्ट उसके एहसास नफ्स के इस्तेहकाम पे करती हैं। यानी जितना किसी फर्द के अंदर उसके होने का एहसास, उसका एहसास खुदी, उसका एहसास नफ्स मुस्तहकम होगा, डेवलप होगा, मैच्योर होगा, तोसी पजीर होगा, उसमें कबूलियत का मादा ज़्यादा होगा, तो ये सारी चीज़ें उसकी शख्सियत कैसा बननी चाहिए, यानी वो एक आइडियल पर्सनालिटी के की शक्ल में ढलने लगेगा। ये फ़र्द की बात कर रहे हैं। अल्लामा फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह कौम के साथ भी होता है। क्या कि कौमों के और मिल्लतों की जो ज़िंदगी का राज है वो उनकी कौमी अना जो है, इस कलेक्टिव सेल्फ जो है उसकी हिफाजत और उसकी तरबियत और उसके इस्तेहकाम में उसमें है। और हयात मिल्लिया का इंतहाई कमाल ये है कि अफराद कौम किसी आयत मुसल्लम की पाबंदी से अपने ज़ाती जज्बात की हदूद मुकर्रर करें ताकि इनफरादी अमाल का तबाइन और तनाकस मिट कर तमाम के लिए एक कल्बे मुश्तरक पैदा हो जाए। अब लामा फरमाए कि कौमी अना कहाँ से आएगी, कलेक्टिव सेल्फ कहाँ से आएगी। फरमाए इसका तरीक ये है कि कौम एक आयन की पाबंद हो, जब वो एक आयन की पाबंद होगी, एक इज्तमाही उसका आयन होगा, तो उससे क्या होगा, वो एक इज्तमाही वजूद की शक्ल अख्तियार करेगा और उसके आपस के जो डिफरेंसेस हैं, आपस के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे और उनमें एक ऐसा सेंट्रल न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा जिसके साथ वो सारे कौम जुड़ के उसके सारे अफराद वो इज्तमाही वजूद की शक्ल में ढल जाएंगे। उसके बाद फरमाते हैं कि अफराद की सूरत में जो एहसास नफ्स जिसकी तरफ पहले जिक्र किया था, एहसास नफ्स कि जिसको डेवलप करने से, जिसको तोसी देने से, जिसको मुस्तहकम करने से इंसान की शख्सियत डेवलप होती है, फरमाते हैं एहसास नफ्स का तसल्सल किसके साथ लिंक है, वो कुव्वत हाफिज़ा के साथ लिंक है। इसी तरह जो कौम का एहसास नफ्स है, कौमी या ना का कलेक्टिव सेल्फ का एहसास नफ्स है, वो भी कुव्वत हाफिज़ा के साथ लिंक है। जिसका फर्द का कुव्वत हाफिज़ा होता है, इसी तरह कौम के भी कौम का भी हाफिज़ा होता है। वो क्या है, उस कौम की तारीख होती है, वो उस कौम की हिस्ट्री होती है जो उसके हाफजे को, उसके कौमी वजूद के हाफजे को तसलसल बख्शती है। तो अल्लामा कह रहे हैं उसकी हिफाजत के साथ ये लिंक है। अच्छा, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि कौमी तारीख हयात मिल्लिया के लिए
بمنزلہ قوت حافظہ کے ہے جو اس کے مختلف مراحل کی حسیات و امار کو مربوط کر کے قومی انا کا زمانی تسلسل محفوظ اور قائم رکھتی ہے۔ علم الحیات اور عمرانیات کی اسی نقطے کو مد نظر رکھ کر میں ملت اسلامیہ کی حیثیت ترکیبی اور اس کے مختلف اجزاء و عناصر پر نظر ڈالی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ امت مسلمہ کی حیات کا صحیح راہ اسی نقطۂ نگاہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اب علامہ فرماتے ہیں، یہ پہلے یہ دو تین باتیں ابتدائی طور پہ سمجھا گئے، یعنی فردی شخصیت کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور کیسے استحکام اور بقا پر رہتی ہے، اور قوم کی شخصیت، اجتماعی قومی وجود کی شخصیت، قومی انا کی جو ہستی ہے وہ کس طرح وجود پکڑتی ہے اور اس کے اندر کس طرح استحکام پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس بنیاد پہ، اس اصول کو سامنے رکھ کے جس کو عمرانیات بھی سپورٹ کرتی ہے اور علم الحیات بھی سپورٹ کرتی ہے، بایولوجی بھی اور سوشیالوجی دونوں سپورٹ کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے میں نے ربوز الہودی میں ملت اسلامیہ کی حیات اجتماعی پر نظر ڈالی ہے، اور اس کے لیے وہ اقدامات تجویز کیے ہیں، وہ لیڈرشپ میں کی ہیں، جس کے طریقے سے ہم اس کی اجتماعی وجود کو کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے علامہ فرماتے ہیں کہ اس زمن میں ایک ضروری سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی مختص للہیت جماعت کا انحطاط ضائع کرنے، یعنی ملت اسلامیہ جو بنیادی طور پہ ڈیوائن پرنسپلس پر بیس ملت ہے، فرما رہے ہیں اس کا جو زوال ہے جس سے اب جو گزر رہی ہے، اس چیز کو کیسے نکالیں اور اس کی زندگی کو مضبوط اور محکم کرنے کے اصول کیا تشکیل دیں۔ فرماتے ہیں اس سوال کا مجمل جواب، یعنی اجمالی طور پہ، تو مسمی کے دونوں سمے میں نے دے دیا ہے، اسرار خودی میں اور رموز بےخودی میں، یعنی فرد کے لیے کیسے زوال کے ساتھ سے نکل کے اس کے استحکام کو یقینی بنایا جائے، اسرار خودی میں اس کا جواب دے دیا، اور قوم کے لیے زوال سے اس کو نکال کے اس کو استحکام کے راستے پہ کیسے ڈالا جائے، اس کا اجمالی جواب میں نے رموز بےخودی میں دے دیا ہے۔ لیکن اگر اس کا مفصل جواب چاہیے تو ناظرین کو اس کا انتظار کرنا ہوگا، اور اگر وقت نے مساعدت کی، مجھے وقت ملا، تو اس کا حصہ، اس کا جواب مسئلے کے تیسرے حصے میں تفصیل کے ساتھ دوں گا۔ تو جناب یہ تین باتیں آپ دیکھتے ہیں جو دیباچے سے متعلق تھیں، آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے علامہ فرد کے بارے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے پخت حافظہ کے ساتھ اس کو لینک کر رہے ہیں، پھر قومی وجود، اس کے استحکام کی بات کر رہے ہیں اور اس کو قومی تاریخ کے ساتھ لینک کر رہے ہیں، اور پھر اس اصول کو بے پیش نظر رکھ کر قومی سطح پہ ہمارا جو اجتماعی وجود ہے اس کے لیے کیا اقدامات، کیا چیزیں ریکمینڈ کریں، کیا اصول ریکمینڈ کریں، کیا فکر ریکمینڈ کریں، اس کا جواب ہمارے دیکھنے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ تفصیل اگر چاہیے تو فرماتے ہیں اس کا تیسرا حصہ میں نے لکھنا ہے، جس کا میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ ہماری قوم اجتماعی طور پہ کن اصولوں پہ بیس ہو کر، مبنی ہو کر، اپنی بنیاد کو استعمال کر کے اپنی حیات اجتماعی کو مستحکم کر سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ کسی سے جو اس کا حصہ تھا وہ لکھا اس طرح نہیں ہے، اس عنوان کے تحت جو علامہ کے پیش نظر تھا، کہ اس کے اندر علامہ نے کیا لکھنا تھا، علامہ نے اپنے مکاتیب میں خطوط میں اس طرح اشارہ کیا ہوا ہے، مولانا گرامی کے نام، خان نواز الدین خان کے نام، کہ میں اس مسئلے کا تیسرا حصہ بھی لکھوں گا جس کا عنوان ہوگا حیات مستقبل ملت اسلامیہ، کہ ملت اسلامیہ کی فیوچر لائف کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، اور قرآن مجید کی روشنی میں وہ چیزیں بیان کروں گا۔ لیکن اہلیم یہ کہتے ہیں کہ علامہ نے گرچہ وہ تیسری جلد نہیں لکھی، لیکن وہ ساری باتیں علامہ نے جاوید نامہ میں بیان کر دی ہیں، اور جاوید نامہ میں وہ اصول دے دیے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ ملت اسلامی کے اجتماعی وجود کو مستحکم کر سکتے ہیں، اس کو دوام پذیر کر سکتے ہیں۔ اس کو ٹائٹل علامہ نے دیا ہے محکمات عالم قرآنی کا، اور بنیادی طور پہ چار چیزیں علامہ نے بیان کی، میں صرف عنوان لے لیتا ہوں چونکہ چلتے پاسنگ ریفرنس کے طور پہ۔ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلا اصول جو ہے، جو ایک آئیڈیل ہماری سوسائٹی تشکیل دے سکتا ہے اور ہمارے ملی وجود کو مستحکم کر سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم خلافت آدم کے اصول کو سمجھیں، کہ آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ منصب ہے آدم کا۔ اور دوسرا جو نقطہ اٹھاتے ہیں وہ حکومت الہی ہے، کہ ہم حکومت الہی کے قیام کو ممکن بنائیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ارض ملک خدا اس، کہ یہ زمین ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس سے استفادے کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ اور یہ علامہ کی یونیک ہے فکر اس لحاظ سے کہ وہ اس میں بالکل منفرد ہیں، ہمارے جو کلاسیکل تھنکنگ ہے اس کو، اس کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں۔ اور چوتھا یہ اصول محکمات کے عالم قرآن میں علامہ دیتے ہیں، وہ ہے حکمت خیر کثیر اصل، کہ علم کے بغیر آپ جو ہے، اور سائنس کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر، یعنی ایسا علم
जो कायनात की तस्वीर के आपको आपको काबिल बना दे, आप अपने वजूद कौमी को ना मुस्तकम कर सकते हैं, ना महफूज कर सकते हैं, ना उसके तसलसल की कोई जमानत पा सकते हैं। तो ये चार चीज़ें अल्लाह ने मुख्तवात आलम कुरानी के नाम से जारी काम में तफसील से बयान की हैं, जिसका जिक्र वो यहाँ आपने रुबूज बेखुदी के दिबाचे में कर दिया। तो इससे हमें ये पता चला जी कि रुबूज बेखुदी क्यों लिखी गई और इसके पेश नज़र अल्लामा के मकासद क्या थे। अच्छा, जब ये किताब लिखी जा रही थी तो मुकम्मल हो गई तो अल्लामा ने अपने कई दोस्तों को उसके बारे में लिखा और उनसे तजवीज़ भी मांगी कि मैं इस किताब इस मसनी के दूसरे हिस्से का नाम क्या रखूँ। तो मुख्तलिफ नाम आए, अच्छा कई नाम आए होंगे, लेकिन जिन नामों को अल्लामा ने नोटिस किया और जिनको अहमियत दी और जिन नामों की मुशावरत की, अगर आप सिर्फ उन नामों को देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लामा कहना क्या चाहते हैं मुझे देखने के अंदर। मसलन एक नाम अल्लामा फरमाते हैं कि ये नाम एक दोस्त ने नाम तजवीज़ किया, इस किताब का नाम नजी इसराए हयात। अच्छा, फिर फरमाते हैं एक ने यह नाम रिकमेंड किया, इसका नाम रखिए प्याम सरोज, सरोज साहब का जिक्र उस दिन से जारी है जनाब माशाल्लाह। और एक नाम होना चाहिए प्याम नौ और एक नाम होना चाहिए आई ने नौ। तो आप देखें कि वो एक नई दुनिया तख्लीक करना चाहते हैं, इस बुरदा वजूद के अंदर जान डाल के इसे आलम नौ का मोजर बनाना चाहते हैं। तो बुनियादी मकसद यह था, लेकिन जरा ये सारे नाम लामों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और आगे क्या हुआ, फिर अल्लामा ने नाम इसका रुबूज बेखुद ही रखा और ऐतिहासिक मुनासिबत ही होगी, वो असरार हैं तो ये रुबूज हैं, वो खुदी है तो ये बेखुदी है। अब हम आते हैं इस पर कि बेखुदी से अल्लामा की मुराद क्या है। ये थोड़ा सा प्रियम्बल था कि हम ये समझ लें कि अल्लामा इस पर कहना क्या चाह रहे थे। अच्छा, जब जैसे आप इस किताब को शुरू करते हैं तो अल्लामा ने जिस तरह असरार खुदी को मौलाना के शशार से शुरू किया है, तो रुबूज बेखुदी को मौलाना के शेर से शुरू किया है। आगाज में मौलाना ने एक शेर दिया है मसनी शरीफ से, शेर यह है कि जोहद कुन जहद कुन दर बेहुदी खुद रवैया दूर दर वल्ला। ये चौथा दफ्तर है मसनी शरीफ का, तो उसका ही शेर है जिससे अल्लामा ये फरमा रहे हैं, मौलाना ये फरमा रहे हैं कि है बंदे ऐ राय हकीम तलाशी, तू कोशिश कर बेहुदी को पाने। जब तू बेखुदी को पा लेगा तो तू बहुत जल्द मंजिल पर पहुंच जाएगा, बहुत जल्द हक रसीदा बन जाएगा। सवाब अल्लाह ही हकीकत को जानता है, हकायक का इलम, सवाब का इलम, सवाब का मतलब अथेंटिक अकोरेट अकोरेसी का इलम सिर्फ खुदा के पास है। तो मैं उस पर भरोसा करते हुए तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें बेखुदी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब यह शेर अल्लामा ने उठाया है मौलाना की मसनी मानवी से। अच्छा, अब जब आप देखते हैं ये मौलाना ने यह शेर कहाँ बयान किया है, मौलाना एक हकायक बयान करते हैं, हकायक ये बयान करते हैं कि एक बादशाह था, उसका एक ही बेटा था शहजादा। तो इसी वजह से कुदरती तौर पर या दुश्मनों की साजिशों से या जैसा भी उस पर जुनून और जादू का असर हो गया, हत्ता कि बहुत ज़्यादा वो हवास भागता हो गया, बीमार हो गया, वो अपने हवास और अंडरस्टैंडिंग से मालूम हो गया, बड़ा इलाज करवाया उसका। और इलाज करवाने के बाद बड़ी मुशक्कतों के बाद जाके उसको जब कोई अच्छा तबीब मिला तो तब जाके उसको कहीं सेहत नसीब हुई। ये सारा वाकया बयान करने के बाद मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें मिसाल दी है, ये जो शहजादे की मिसाल मैंने दी, इस मुराद इंसान है। और जो बादशाह का मैंने जिक्र किया, उसका जो वालिद था, इससे मुराद हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह। आप देखें, जब हज़रत आदम का जिक्र किया तो हज़रत आदम के तीन औसाफ बयान किए। पहली बात है कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह, दूसरा आदम खलीफ़तुल्लाह और तीसरा आदम मस्जूद मलाइक। ये वालिद है इंसान का। और तीसरा जिसने जादू किया वो कौन था, फरमाते ये दुनिया है, ये जो दुनिया जादूगरनी है, इसका इसका ग्लेवर इतना ज़्यादा है, इसका शहर इतना ज्यादा है, ये हकीकत को हमारी निगाहों से ओझल कर देती है। तबीब कौन है, फरमाते हैं तबीब अंबिया है, तबीब अंबिया के वरसा सुलहा है, औलिया है, जो रूह के तबीब है, जो ख्याल के तबीब है, जो अनफोस के तबीब है, जो बातन के तबीब है। ये तबीब जब आते हैं तो जो कायनाती जादूगरनी है
जो हमें ऐसे जादू और ऐसे सहज लपेटती है कि आंख बंद होती है तो आंख खुलती है, उससे पहले आंख नहीं खुलती। ये जो तबीब है ये उसके जादू से इंसान को काट देते हैं। और बेखुदी क्या है? फरमाते हैं खुदी ये है कि इंसान इस दुनिया की शहर में मुबतला होके अपने नफ्स के ख्याल और नफ्स की ख्वाहिशात का कैद बन जाए। और बेखुदी ये है कि इंसान इस नफ्स की कैद से निकल जाए और नफ्स की कैद से निकल के अपने नफ्स की ख्वाहिशात से, नफसानी मैदान से, सिर्फ इस जिस्म की जरूरतों को तरजीह अव्वल बनाने से इस कैद से निकल जाए। ये बेखुदी है। और जब और ये नहीं निकल सकता इंसान ताकि उसे तबीब कामिल ना मिले, तबीब कामिल की रहनुमाई चाहिए। तो फरमाते हैं अब ये शेर जो कौनदा बेखुदी खुदरा भैया, इसके बाद अगला शेर फरमाते हैं हर जमाने ही मशो बखेश जुफ्त, हर जमान क्यों हर दर आब गिर मयुफ्त। मौलाना फरमाते हैं हर वक्त अपने साथ न जुड़ा है, जिस तरह खर होता है, गधा होता है, वो हर वक्त मट्टी गारे में उलझा होता है, उसको हर वक्त घास की फिक्र होती है, ऊपर ही सर उठा के नफ्स के चक्कर में ना रहे, हर वक्त अपने नफ्स के साथ ही ना जुड़ा रहे, इससे अलग हो, इससे निकलने की कोशिश कर। बुए पैरहान यूसुफ कौन सनद जांगे बुएश चश्म रोशन मी को नद। फरमाते हैं इससे सबक ले कि पैरहान यूसुफ ने इसको अपना रहनुमा बना, पैगंबरों की खुशबू को अपना रहनुमा बना कि इसने बेनूर आंखों को मुनव्वर कर दिया था। इस तरह फिर फरमाते हैं बगैर तबीब के तुझे सेहत नहीं मिलेगी, दूरबीन बेहुनर हम चुना दूर दीदन खाब दर। फरमाते हैं जिसने देखने का फन न सीखा हो, जो बेहुनर हो, उसको अगर दूरबीन भी दे दिया है ना, उसकी आंखों को देखने की स्पोर्ट भी दे दिया है, उसका दूर तक देखना ऐसा ही है जैसे कि ख्वाब में दूर देख रहा हो, नींद में दूर देख रहा हो। नींद में दूर देखने का क्या फायदा जब आंखों के लिए कुछ नहीं होगा? तो जब तक तरबियत ना हो तो दूरबीनी का भी कोई फायदा नहीं होता। वो तरबियत कहाँ से आएगी? वो तरीके सुलहा से, तरीके अंबिया से आएगी। ये बीमारी है मौलाना फरमाते हैं खुद में गिरफ्तार हो जाना और इससे निकल के बेखुदी पे आना, ये अंबिया की तरबियत के जरिए से मुमकिन है। उससे इंसान को वो दूरबीनी मिलती है कि वो नफ्स की सतह से उठता है और हकायक आलिया को एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल और इस्तेदार ज़ोब और एटीट्यूड से लेकर होता है। अच्छा ये पहला शेर है, थोड़ा सा मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट भी अर्ज कर दिया कि अल्लामा जिस शेर को ले रही है वो किस माहौल में है, मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना ने किस पैराए में और किस माना को बयान करने के लिए वो शेर बयान किया है, अल्लामा उस शेर के साथ इसका आगाज कर रहे हैं। इससे भी थोड़ा खुलता है हमारे ऊपर कि जो बेखुदी का तस्वर है वो क्या है अल्लामा के नज़दीक। अच्छा थोड़ा सा इसमें भी चंद मिनट बात कर लेते हैं कि बेखुदी का तस्वर को मौलाना रूम ने मुख्तलिफ जगह पर मसनवी के अंदर इलाबोरेट किया है, उसकी मुख्तलिफ शेड्स को हाईलाइट किया है। मैं एक आध शेर आपके सामने रखता हूँ, ये पाँचवा दफ्तर है मसनवी का, जिसमें मौलाना फरमाते हैं बेखुदी बेअबरी हस्त ऐ नेक ख्वाह, बेखुदी बेअबरी हस्त ऐ नेक ख्वाह, बाशी अंदर बेखुदी चूकर सिमा। फरमाते हैं जी बेखुदी है, इसकी मिसाल ऐसे समझ जिस तरह जो चांद होता है ना ये बादल से निकल गया, जब तक चांद बादल के अंदर छुपा होता है उस वक्त तक उसकी रोशनी आगे नहीं बढ़ती, उसकी रोशनी जमीन पे नहीं पहुंचती, उसकी रोशनी नहीं फैलती, उसकी रोशनी नुमाया नहीं होती। जब अबर उसके चेहरे से हट जाता है तो फिर उसकी रोशनी आम हो जाती है, उसकी रोशनी नुमाया हो जाती है। बेखुदी क्या है? ये चांद के चेहरे से बादलों के पर्दे को हटाना है, चांद के चेहरे को नुमाया करना है, यानी जो इंसान के अपने खुद में गिरफ्तारी का शर है, मौलाना ये कह रहे हैं ये एक तरह से इंसान के ऊपर हिजाब बन जाता है। वो जो हिजाब है वो हिजाब इंसान को हकीकत से दूर रखता है। तो फरमाते हैं कि इंसानी ख्याल
के ऊपर, इंसानी फिक्र के ऊपर, ये जो हिजाब है इसे हटाना है। इसे हटाए बगैर इसकी रोशनी नुमाया नहीं हो सकती। अच्छा आगे फरमाते हैं, दाया आयत बद रोजे से चार मादरा मारा फकीर अंदर के नार। फरमाते हैं कि मेरी परवरिश जो है वो दाई कर रही है और दाई चंद दिन के लिए आती है और यह मैंने उसकी खिदमात मुस्तार ली जाती है। फरमाते हैं कि मुझे दाई की सोच कर दिया गया है, मेरी माँ तू कहाँ है, मादरा मारा तू गीर अंदर के नार है, माँ तू आ, तू मुझे अपनी आगोश में दे। क्योंकि माँ से रिश्ता पुख्ता है, दाई के साथ पुख्ता रिश्ता नहीं। तो जब इंसान पैदा होता है दाई आती है, लेकिन मौलाना कहते हैं वो चंद दिन के लिए आती है, हमें चंद दिन वाली सपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब क्या है, मौलाना ये कह रहे हैं इंसान के नफ्स के जो ख्यालात हैं इसकी मिसाल उदार की सपोर्ट की है, और जो अल्लाह की तरफ से वही के जरिए मिलने वाली रहनुमाई है वो अबदी रहनुमाई है, वो रहनुमाई चाहिए। आगे फरमाते हैं, मन्ना हम दाइया मादे खुश रस मूसियन मन दाइया ए मन मादे रस। फरमाते हैं कि मुझे दाइया की रहनुमाई भी चाहिए, मैं मूसा हूं। मूसा की जो दाई भी उसकी मां थी, देखें मूसा अलैहिस्सलाम जब आए और फिरौन ने उठा लिया तो जितनी भी खवातीन बुलाई गई मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दुख कबूल नहीं किया, हत्ता के बताया गया उनको कि कैसी खातून है जो मूसा को दुख दिला सकती है, उनको बुलाओ तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात को बुलाया। तो अब क्या मौलाना क्या कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि बेखुदी क्या है। बेखुदी का मतलब ये है कि असर रहनुमाई की तरफ इंसान आए और अपनी अना की कैद से निकले, अपनी नफ्स की कैद से निकले, जो वही पर मबनी रहनुमाई है, जब तक उस तरफ नहीं आएगा उस वक्त तक उसके ऊपर हकायक का रास्ता नहीं खुलेगा। अच्छा उसके बाद जब हम आगे चलते हैं और इसी तस्वर को समझने की कोशिश करते हैं तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो बेखुदी का तस्वर है ये दो तरह से हमारे लिए वक्त रखता है, तफहीमी, इसकी तफहीम दो हवालों से हमारे लिए अहमियत रखती है, मानवियत रखती है। एक हमारी जात के हवाले से और एक हमारे इज्तमाई वजूद के हवाले से, जिसकी तरफ अल्लाह ने मुझे बेखुदी के दिबाचे में इशारा किया है। जब आप जात के बारे से बात करते हैं तो जो हमारी खुदी है इस खुदी का इर्तिका भी बेखुदी के बगैर नामुमकिन है। इंसानी खुदी भी उसी वक्त इर्तिका पसीर हो सकती है, उसी वक्त अपनी आला मंजिलों को और अपने आला पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर सकती है जब उसे बेखुदी का तजर्बा हो, और अगर उसे बेखुदी का तजर्बा ना हो तो वो उस सतह तक बुलंद नहीं हो सकती, उसके अंदर उस सतह की रिफत पैदा नहीं हो सकती, वो प्रवास नहीं आ सकती, उसके अंदर वो इनहेंसमेंट नहीं हो सकती, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी पैदा नहीं हो सकती जिससे वो जात के हक के तजर्बे को सहार सके, अब्जॉर्ब कर सके, उस तजर्बे से गुजर सके, उस तजर्बे के अंदर लिव कर सके। वो कब होता है, जब इंसान को बेखुदी का तजर्बा हो। वो कैसे होगा, अब खुदी पे आप बात सुन भी चुके हैं, बड़ी तफसील से यह बात हो चुकी है। आप जानते हैं कि अल्लामा के नज़दीक जो खुदी है बुनियादी तौर पर एहसास नफ्स और हमारा शऊर है, जिसके साथ ही हमारा जो खुदी का वजूद है वो कायम है, और ये हमारा जो शऊर है बुनियादी तौर पर ये ज़ाते हक से हमें इल्का हुआ है। जैसे अल्लामा ने कहा खुदी को डिफाइन करते हुए, खुदी अज़ वजूद हक वजूदे, खुदी रा अज नमूदे हक नमूदे, नमी दान की ईंदा बिंदा गोबर कुजा बूदे अगर दरिया न बूदे। अल्लामा फरमा रहे हैं ये जो खुदी है इसका वजूद वजूद हक के साथ है, और वजूद हक ने ही इसको नमूद बख्शी, इसको जहूर दिया है। ये समझें कि बिला तशबीह बिला मिसाल, अगर वजूद हक एक दरिया है तो उसके अंदर मौजूद जो गोबर है वो खुदी है। अब अल्लामा ये कह रहे हैं कि मैं ये सोचता हूं कि अगर दरिया ना होता तो ये खुदी कहां होती, इसका तो कोई वजूद नहीं हो सकता। ये आप देखें एक बात क्या कि अल्लामा ने बयान सुतूर बहुत बड़ी बात समझा दी है, जिसको बाली में अल्लामा ने यूं फरमाया यह खुलासा है इल्म कदरी के हयात खदर जस्ता है लेकिन कमाल सुतूर है। सारा जो इल्म
रूहानियत का तसव्वुफ का है, उसका खुलासा ये है, उसकी फाइंडिंग ये है कि इंसान की मिसाल एक ऐसे तीर की सी है जिसे कमान से चलाया गया लेकिन कमान से वो निकला नहीं है, दूर नहीं हुआ कमान से। तो वही बात आप यहाँ पे एक बड़े लतीफ़ पैराज में अल्लामा कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अल्लामा इसी को एक और अंदाज़ से कह रहे हैं, ये आगाज खुदी कसरा खबर नीस खुदी दर हल्का शाम व सहर नीस ये खिज़्र तीन उतार शनीदम कि दरिया ज़े मौजे खुद देरी न तर नीस। फरमाते हैं खुदी की इब्तिदा का किसी को नहीं पता, इसकी इतिहा क्या किसी को, इसका कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खिज़्र ने मुझे एक नुक्ता बताया है, खुद नुक्ता ही बताया है कि अगर खुद दरिया हकीकत है और खुद ही उसकी मौज है तो कहते हैं खिज़्र ने मुझे ये नुक्ता बताया है कि दरिया की उम्र मौज की उम्र से ज़्यादा नहीं है। अब देखें इस लतीफ़ पैराए में वो इंसानी खुदी की जो लताफत है और इंसानी खुदी की जो असमत है और इंसानी खुदी की जो वसत है उसको यहाँ बयान करते चले जा रहे हैं। ये जो इंसानी खुदी है यानी हमारी हकीकत जिसकी असल ज़ात आपके साथ जाहिर होती है, ये मेराज पज़ीर होती है। कैसे ये मेराज पज़ीर होती है? जब हम बेखुदी के तजर्बे से गुजरते हैं। अब बेखुदी के तजर्बे से कैसे गुजरते हैं? यानी मैंने यह अर्ज़ किया था कि हम खुदी बेखुदी का तसव्वुर दो हवालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक हवाला ये है कि हम ज़ाती इर्तिका के लिहाज से और दूसरा हवाला इज्तिमाई इर्तिका के लिहाज से। नमाज का वक्त हो गया, अब इस पर रुकते हैं जी, इंशाल्लाह फिर नमाज पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब बात यहाँ पहुँची थी कि अच्छा एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बेखुदी का मतलब क्या है बस। यानी अगर आप ये ढूंढना चाहें कि किताब सामने खोल के कोई शेर की तशरीह हो रही है तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यानी हम बाकायदा किसी नज़म को फोकस नहीं कर रहे रमूज़ बेखुदी की, ये सिर्फ इस नुक्ते पे हम अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लामा के नज़दीक बेखुदी का मतलब है क्या। बात हमने ये की कि असरार खुदी क्या थी फ़र्द के बारे में और मुझे बेखुदी क्या है कौम के बारे में। पहली बात तफसीर मैंने अर्ज़ कर दी अल्लामा के दिबाचे से। दूसरी बात ये जो लफ्ज़ अल्लामा ने बेखुदी का लिया मौलाना रूम से लिया, जिन लोगों से अल्लामा इंस्पायर हैं उनमें सर फहरिस्त मौलाना रूम है। हर बड़े आदमी पर अल्लामा ने तनकीद की है, गज़ाली को भी नहीं छोड़ा, इब्ने अरबी को, लेकिन हमने नहीं देखा मौलाना रूम पर भी तनकीद की हो। मुर्शदों पे कोई तनकीद नहीं करता क्योंकि उन्होंने अपना मुर्शद बना लिया तो तनकीद फिर नहीं की। तो मौलाना ने बहुत रमूज़ बेखुदी का उनवान भी वहाँ से और बहुत से अशआर भी इसमें हैं जो अल्लामा लेके आए। पहला शेर ही मसनवी से है, दरमियान में भी है मसनवी के अशआर आपको मिलते हैं। तो पहला शेर ही मसनवी का है जिसमें उन्होंने बेखुदी का जिक्र किया। अब मसनवी में वो लफ्ज़ किस कंटेक्स में हुआ हमने उसकी एलैबोरेशन की और फिर थोड़ा सा आपको ये बताया कि मौलाना के नज़दीक बेखुदी का मतलब इंसान के एहसास से ज़ात पर दुनिया की कशिश का हिजाब जो है इसको हटा देने का नाम बेखुदी है। अब जहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी वो ये थी, इस तसव्वुर को हमने दो हवालों से समझना है, खुदी के इर्तिका के लिए और इज्तमाई वजूद के इर्तिका के लिए। अब खुदी के इर्तिका के लिए क्यों ज़रूरी है जी? खुदी क्या है? ये बुनियादी तौर पे हमारा शऊर है, हमारा एहसास ज़ात है, इसकी असल ज़ात हक है और ज़ात हक तक आपने पहुँचना शऊर के ज़रिए से ही है। इसलिए तसव्वुफ़ को, एहसान को, एहसान जो चैप्टर है इस्लाम का, ईमान इस्लाम एहसान, जिसको बाद में तसव्वुफ़ के इंस्टीट्यूशन के तहत कंपाइल किया गया मुनज़्ज़म किया गया, उसे तसीये ख्याल कहा गया। ख़ुद अल्लामा ने मेटाफिज़िक्स डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स में लिखा कि मिस्टिस इस्लामी तसव्वुफ़ क्या है, इट इज़ करेक्टनेस ऑफ थाट, ये आपकी फ़िक्र की इस्लाह है। ये जो फ़िक्र है जितनी इस्लाह पज़ीर होती चली जाती है ये ज़ात हक के करीब होने लगती, ये इंसानी खुदी के इर्तिका का रास्ता है। ये हो नहीं सकता जब तक आप बेखुदी से ना गुजरें। जब आपको बेखुदी का तजर्बा होता है
तो फिर आपके ऊपर अपनी ज़ात की कुछ नई तयें मुनकशिफ होती हैं, अनफोल्ड होती है, आपकी ज़ात के कुछ डायमेंशंस अनफोल्ड होते हैं। यहाँ पे हमने बात करते करते फिर हम नमाज के लिए चले गए। अब वो कैसे होता है जी? अल्लामा ये कहते हैं कि जब आपने ये देख लिया कि हमारी खुदी फिल असल हमारा शऊर है, शऊर जब फंक्शन करता है तो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अल्लामा कहते हैं कि शऊर के दो पहलू होते हैं। हमारी जो सेल्फ है, हमारी जो अना है, हमारी जो खुदी है, इसके दो पहलू हैं। एक एफिशिएंट है, एक एप्रिशिएटिव है। ये दोनों लफ्ज़ अल्लामा ने रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए हैं। एक क्या है? एफिशिएंट सेल्फ। एक है एप्रिशिएटिव सेल्फ। एफिशिएंट सेल्फ क्या है? ये अनाए फाल है। और एप्रिशिएटिव सेल्फ क्या है? ये अनाए बसीर है। अनाए फाल और अनाए बसीर, ये हमारे खुदी के फंक्शनल होने के दो गेट्स हैं, गेटवेज हैं, जिनसे खुदी फंक्शनल होके हमें ब्रेक थ्रू देती है ज़िंदगी के अंदर, और हम हकायक से आशना होते हैं। हकायक से आशना होने के बाद हमारी शख्सियत उस आशनाई और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी सांचे में ढलने लगती है। ये जो अनाए फाल है या एफिशिएंट सेल्फ है, ये हमारी रूटीन का शऊर है। ये फंक्शन करता है ज़माने मुतसलसल में, सीरियल टाइम में फंक्शन करता है। अनाए फाल चीज़ों को टुकड़ों में देखता है, इन पार्ट्स देखता है, चीज़ों को तरतीब देता है। अनाए फाल जो हमारे है, जो हमारा एफिशिएंट सेल्फ है, ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम चीज़ों को तरतीब दें, आगे पीछे रखें, तकदीम व ताखीर करें, पहला दूसरा तीसरा, सुबह दोपहर शाम, बचपन जवानी बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वकूफ पजीर हो रही हैं सीरियल टाइम के अंदर, ज़माने मुतसलसल के अंदर। और ये सारा किस के ज़रिए हो रहा है? हमें इसकी रोशनी कहाँ से आ रही है? हमें इसकी रोशनी आ रही है अनाए फाल के ज़रिए से। अच्छा, उसके बाद अल्लामा ये फरमाते हैं कि ये जो दो पहलू हैं शऊर के, जो अनाए फाल का पहलू है, इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के मादी पहलू से है। इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के मादी पहलू से है, ये जो रूटीन की ज़िंदगी है। जो अनाए बसीर है, इसका ताल्लुक हकीकत के साथ है। यानी अनाए फाल क्या करती है? हमें दुनिया से लिंक करती है, हमारे जाहिर को, हमारे मामूलात ज़िंदगी को एक नज़्म व ज़ब्त देती है। और जो अनाए बसीर है, ये हमारे बातन को ज़ात हक से लिंक करती है। अच्छा, अब यहाँ पर जब पहुँचते हैं अल्लामा, अब उसके बाद फिर बताते हैं कि ये जो अनाए बसी, अब बहुत आस्ता आस्ता मैं चीज़ों को बयान करूँगा ताकि हम थोड़ा सा इन चीज़ों को लिंक अप करते हुए आगे बढ़ें। जिस वक्त अनाए फाल फंक्शन करती है तो हम सीरियल टाइम में होते हैं, जब अनाए बसीर फंक्शन करती है तो हम प्योर ड्यूरेशन में होते हैं, प्योर टाइम में होते हैं। वजह यह है कि अनाए फाल चीज़ों को इन फ्रेगमेंट्स ऑब्जर्व करती है और अनाए बसीर चीज़ों को इन टोटैलिटी ऑब्जर्व करती है। चीज़ों को इन टोटैलिटी ऑब्जर्व करना, ये ज़माने खालिस में पॉसिबल है, प्योर ड्यूरेशन में पॉसिबल है। और उसका तजर्बा हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर होता है। यानी हर इंसान की ज़िंदगी में कोई लम्हा ऐसा ज़रूर आता है जब आप आइसोलेट हो जाते हैं खारिज की ज़िंदगी से, और आप एक ऐसे लम्हे में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जहां आपको सारी तफसीलात का एहसास या तजर्बा एक वहदत के तौर पे हो रहा होता है। यानी बुनियादी तौर पे हकायक अनाए बसीर के अंदर
इस तरह एक वहदत के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह पूरा दरख्त एक बीज में एक वहदत के तौर पे एग्जिस्ट करता है। ये सूफिया की मारूफ मिसाल है जिसको लामा भी लेके आए हैं। इस मिसाल को लामा ने भी कोट किया है। बीज देखने में एक वहदत होती है लेकिन उसमें पूरा दरख्त मौजूद होता है। अगर आप बीज को देखें एक लम्हा लगता है, दरख्त को देखें तो पूरा साल लगेगा। वो पूरा दरख्त जिसने स्टेप बाय स्टेप दरख्त बनना है पूरा साल चाहिए आपको। पहले वो उगेगा, पौधा बनेगा, कोंपल होगी, पत्ते निकलेंगे, शाखें, फूल, पत्ते, पड़ते करते करते जवान हो जाएगा, फल लगेगा। वो सारे का सारा एक वहदत के तौर पे आप उसको बीज में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अभी आपने सरोज साहब से भी बात सुनी थी जिस मिसाल को लामा ने भी कोट किया है। लामा ने सुरख रंग की मिसाल दी है कि जब सुरख रंग को आप देखते हैं तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी जो यानी कितने मिलियन और बिलियन ऑफ पर सेकंड है, हर्ट्स पर सेकंड है, यानी वो जो वेव उसकी पास ऑन हो रही हैं वो इन मिलियन एंड बिलियंस हैं एक सेकंड के अंदर, लेकिन आप उसको एक वहदत के तौर पे देख रहे हैं। अगर आप उसको अनायफा, अब अलामा ने यह तजर्ब एक मिसाल दे के अनायफाल और अनाय बसीर के फर्क को वाज़ किया। अगर आप इसको अनायफाल के तौर पे देखते जिस तरह आप रूटीन में देखते हैं तो आपको एक बिलियन साल चाहिए उस सुरख रंग को देखने के लिए, क्योंकि आपने एक एक वेव को देखना है ना, तब आगे एक वेव को देखा, दूसरी को देखा, तीसरी, यानी पूरी किताब पढ़ी हुई है ना, एक सफ़ा उल्टा दूसरा उल्टा, तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाए तो एक जो रंग का एक उसकी एक वेव है उसको देखने के लिए कितना ज़िंदगी चाहिए होती। लेकिन आपने क्या किया, उसको एक आनंद देख लिया और देख के आपने ऑब्जर्व कर लिया सुरख रंग है। आप जानते हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के आगे पीछे हम नहीं देख सकते, इसके दरमियान ही हम देखते हैं, यानी हमारी आँखें इस चीज़ की पाबंद हैं कि इससे न ऊपर न नीचे, इसके दरमियान जो कलर्स हैं उन्हीं को हमने देखना है, वो बक्के हमारी वेवलेंथ में नहीं आता। अब इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा, जब आपने सुरख रंग की वेव को देखा तो आपने उसको एक वहदत के तौर पर देखा। अब ये आप वहदत के तौर पर देखना बुनियादी तौर पर हमारे देखने की सलाहियत की लिमिटेशन है, आप चाहें भी तो उसको डिटेल से नहीं देख सकते, चाहें भी तो डिटेल से ताकि आपको स्पेक्ट्रम में उसको करें, स्पेक्ट्राइज करें, कोई बड़ी जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं साइंटिफिक उनको यूज़ करें, फिर आप उससे फ्रीक्वेंसीज मालूम की गई है ना। नंगी आंख से विद नेक्ड आई आप पाबंद हैं कि उसको इसी तरह वहदत के तौर पर देखें। इसका मतलब क्या है, जबर भी अल्लाह की एक रहमत है, ये हमारा जबर है, हमारी लिमिटेशन है, और ये ना हो तो ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। हर वक्त जबर, हम जबर जबर के पीछे लगे होते हैं ना, हर वक्त जबर भी कोई मनहूस चीज़ नहीं होती, यानी जो एक निज़ाम कायनात अल्लाह ने बनाया है उसकी हदूद रखी हैं और उसके अंदर ही हमारी ज़ात का इर्तिका है और उसी में हमारा हमारी कंटिन्यूटी और हमारी बका है, पूरी ज़िंदगी का निज़ाम इसी पर खड़ा है। तो अब फिर उसी नुक्ते की तरफ लौटते हैं, अल्लामा ये कह रहे हैं कि ये जो पहलू है ये ज़ाते हक के साथ हमें जोड़ने का पहलू किससे किसके साथ मुमकिन है, ये मुमकिन है अनाए बसीर के ज़रिए से। अब मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे एक रिकंस्ट्रक्शन की इबारत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अल्लामा कह रहे हैं इन द लाइफ प्रोसेस ऑफ दिस डीपर एगो द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस मेल्ट इनटू ईच अदर। ये जो हमारी अना की गहराई का मामला है, हमारी ज़ात की गहराई, यहाँ पे शऊर की सारी कैफियात गुल मिलकर एक वहदत में बदल जाती हैं, मेल्ट इनटू ईच अदर। द यूनिटी ऑफ द एप्रिशिएटिव एगो जो हमारा अनाए बसीर है इसकी वहदत का अमल इज़ लाइक द यूनिटी ऑफ द जर्म इन विच द एक्सपीरियंसिस ऑफ इट्स इंडिविजुअल एंसेस्टर्स एग्जिस्ट नॉट एज अ प्लूरलिटी बट एज अ यूनिटी इन विच एवरी एक्सपीरियंस परमिएट्स द होल। कह रहे हैं कि ये जो हमारा अनाए बसीर के अंदर नस्लों के तजर्बात, नस्ल आदम के तजर्बात एक जरासीम की तरह एक वहदत के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये हमें वहदत का तजर्बा देते हैं
देयर इज नो न्यूमेरिकल डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्टनेस ऑफ द स्टेट्स इन द टोटैलिटी ऑफ एगो। यहां पे टोटैलिटी ऑफ एगो इतनी टोटैलिटी की आमल होती है कि आप उसको एदाद शुमार के 1, 2, 3 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ हुज एलिमेंट्स इज अनलाइक दैट ऑफ एफिशिएंट सेल्फ होली क्वालिटेटिव। अब कह रहे हैं कि जो एफिशिएंट सेल्फ की तो मल्टीप्लिसिटी होती है ना, यानी वो चीज़ों को पार्ट पार्ट्स में करके करती है, यहाँ नहीं होती। अगर है तो सिर्फ क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। देयर इज चेंज एंड मूवमेंट, बट चेंज एंड मूवमेंट आर इनडिविजिबल। देयर एलिमेंट्स इंटरपेनिट्रेट एंड आर होली नॉन सीरियल इन कैरेक्टर। तो कह रहे हैं अनाए बसीर के अंदर भी तब्दीली हो रही होती है, लेकिन वह नाकाबले तकसीम होती है, उसको आप तकसीम करके नहीं देख सकते, एक वाहदत के तौर पे देखते हैं। अच्छा, जब यहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है? अब यहाँ अल्लामा का एक कितना कीमती जुमला है, पूरी सूफिया की तालीमात को अल्लामा ने इस जुमले में समो दिया है। अल्लामा कहते हैं हेयर इज देन प्योर ड्यूरेशन अनएडल्टरेटेड बाई स्पेस, प्योर ड्यूरेशन अनएडल्टरेटेड बाई स्पेस। कितनी बड़ी बात, अल्लामा कह रहे हैं ये वो लम्हा है जहाँ हमें ज़माने खालिस का ऐसा तजर्बा होता है जिसमें मकान की मिलावट नहीं होती। यानी इंसान अपनी हस्ती के गैर मादी पहलू की उस जहत से आशना होता है जहाँ मादियत का शायबा तक नहीं होता। ये जो लम्हा है ये हमारे अंदर कुर्ब हक को पाने की जमानत देता है। यानी आप ई बदन बजाने वा अंबाज नीस्त मुश्तखा के माने परवाज नीस्त। अल्लामा कह रहे हैं कि ये जो जिस्म है ना, ये परवाज में रुकावट नहीं है, बल्कि परवाज के लिए एक, जिसको आप कहते हैं ना कि किक स्टार्ट है, एक बेसिक हेलीपैड है जहाँ से आपने परवाज करनी है, ये रुकावट नहीं है। इस मादी दुनिया में रहते हुए, इस मादी बदन के अंदर रहते हुए, ये जो आपके एप्रिशिएटिव सेल्फ का तजर्बा है जहाँ आपको ज़माने खासल खालिस का वो तजर्बा होता है जिसमें वकाँ का शायबा तक नहीं होता, आपको बताता है कि आपकी असल मलकूती है, आपकी असल गैर मादी है, आपकी असल रूहानी है, और आप फिल असल अपनी ज़ात की गहराइयों में वो टेंटिकल्स रखते हैं जो ज़ात हक से मुत्तसिल हो सकते हैं। ये बेहूदी है, ये वो बेखुदी का पहलू है आपकी ज़ात का जो आपकी अनाए बसीर से मुतालिक है। पहले ज़माने में लोग सोना बनाया करते थे, कीमिया का ज़माना था, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो जानते हैं इसमें सबसे मुश्किल अमल एक ही होता था, वो होता था पारे को कायम करना। जब वो पारे को कायम कर लेते थे तो अक्सीर बना लेते थे, उस अक्सीर को जिस दात पर लगाते तो दात जो है वो सोना बन जाती थी। पारा कायम आग पे होता था, और आप जानते हैं आग और पारे का क्या ताल्लुक है, पारा आग के पास गया नहीं और पारा गायब हुआ नहीं। तो कहते थे कि जो पारा कायम कर ले वो सबसे बड़ा हकीम और कीमियागर है। यानी ये मारूफ था मुतकद्दमीन में जो इस फन के माहिरीन थे, अनाए बसीर के अंदर इस्तिकामत पारा कायम करने की तरह है। सूफिया जो तसव्वुफ है बुनियादी तौर पर, तसव्वुफ एक तरबियती मुशक्क़त का नाम है तसीय ख्याल के बाद। सबसे पहले करेक्टनेस ऑफ थाट, आपको पता हो करना क्या है, उसके बाद उस पर कायम हो जाना है। सूरह जिन है वलाओ अनिस्तकाम वाला तरीका थे लास कै ना हम मा अन गदा का, अगर ये लोग एक तरीके पे कायम हो जाते हम इन्हें ऐसा सैराब करते इनकी कोई प्यास ना बचती। तीनों बातें आ गई, तरीकत इस्तिकामत और करामत एक ही आयत में आ गई। असल चीज़ इस पर कायम होना है। यानी ये तजर्बा हर शख्स को होता है, ये जो बेहूदी है। कभी आप अपनी ज़िंदगी में देखें, अतिया फैजी ने एक वाक्य बयान किया है कि हम म्यूनिख में थे तो सारे जो दोस्त थे क्लास फेलोज थे, हमने मशवरा किया जी आज हमने बाहर जाना है पिकनिक पर, तो प्रोग्राम बन गया, सारे चल पड़े जी बाहर बैठे हैं सारे तैयारी, देखते हैं ये लामा साहब किधर है, लामा साहब इकबाल नहीं, इकबाल को ढूंढो। कहते मैं यही अंदर कमरे में, इकबाल के कमरे में देखा तो कुर्सी पे इकबाल साहब बैठे हैं।
टेबल पे किताबों का ढेर लगा और खजा में घूरे जा रहे हैं। मैंने कहा इकबाल को क्या हो गया? बिल्कुल जिस तरह बंदा बुत बना होता है। मैंने इकबाल इकबाल, कोई जवाब नहीं, मैं जाकर झंझोड़ा था इकबाल जैसा बंदा सोया हुआ जागता है, क्या हुआ? तो पतिया फैजी कहती है, मैंने कहा जाना नहीं। उन्होंने कहा किधर? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? तो इकबाल ने जवाब दिया, मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार देख लूँ ऐसा होता भी है कि नहीं, मैं देखने चला गया था। कुछ लोगों के अंदर, और इस बात को अल्लामा ने दिबाचे में बयान किया है, कुछ लोगों के अंदर रिकंस्ट्रक्शन के दिबाचे में बाई नेचर ये कैपेसिटी होती है कि वो रूहानी हकायक का तजर्बा कर सकते हैं, कुछ लोगों में नहीं होती, वो सिर्फ सुन के ही मानते हैं बस, ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है। आप देखें हम लोग बैठे हैं, बाज़ ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ चार चार ख्वाब आते हैं, बाज़ ऐसे हैं जिनको साल और साल ख्वाब ही कोई नहीं आता, और ऐसे भी हैं ख्वाब देखते हैं अगले दिन सच हो जाता है। तो ये एक जिस तरह से हर बंदे का गला सुरीला नहीं होता, ठीक है ना जी, बाज़ लोगों के गाने से दर्द दिल पैदा होता है और मेरे जैसे बंदे के गाने से दर्द सर पैदा होता है। तो बैन ही अल्लाह पाक ने किसी को कोई सलाहियत दी है, किसी को कोई सलाहियत दी है। तो ये भी एक तसव्वुफ में फिनामिना है कि इतने अरसे मुझे आयदाद की जी, मुझे तो कोई मुशाहिदा ही नहीं हुआ। ये डीमेरिट नहीं है, जिसको इस आँख से मुशाहिदा नहीं, उसका मुशाहिदा किसी और तरह से होना होता है अगर गाइड मुनासिब हो तो, ज़रूरी नहीं इधर से यह ख्वाब में ही मुशाहिदा हो। बैन ही इन हकायक का तजर्बा भी बाज़ लोगों की नॉर्मल कैपेसिटी होती है। अब सूफिया क्या करते हैं, वो आपको एक तरबियत से गुजारते हैं जिससे आपको सीरियल टाइम से निकल के प्योर ड्यूरेशन में लिव करने और सस्टेन करने का फन मिलता है। और लामा ने कहा है ना कि हासिल किसी कामल से कर इस पोशीदा हुनर को, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा, कहते हैं कि ये शीशे को बना सकते हैं खारा। तो ये जो फ़न है तसव्वुफ बुनियादी तौर पे एक पूरी साइंस है, एक तरबियत की एक एक्सरसाइज है, एक मुशक्क़त है। इसलिए सूफिया ने तसव्वुफ को वर्जिश रूहानी कहा है। हज़रत मेहर अली शाह रहमान ने तहक़ीक़ुल अक़्म में इसको लिखा है, ये वर्जिश रूहानी है। तो वो तो जनाब इतनी वर्जिश रूहानी करते हैं, वो कहते हैं जो दम गाफ़िल सो दम काफ़िर, एक लम्हा भी गाफ़िल चला गया सब दबाव बर्बाद हो गया। वो तो इतने विजिलेंट होते हैं, इतने विजिलेंट होते हैं। तो ये जो बेखुदी है ये क्या है इंडिविजुअल लेवल पे? ये आपका प्योर ड्यूरेशन के अंदर अनाए बसीर की एक्टिविटी के साथ कायम होना है। उससे आपको यकीन मिलता है कि एक मा फौकल कायनात हस्ती के साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। ये कनेक्टिविटी जो है फिर बतदरीज आपको एक यकीन पे, एक ईकान पे लेके आती है और फिर आपकी ज़ात के अंदर एक तब्दीली करती है। इसको बहुत कुछ सूफिया ने कहा हुआ है जी, लेकिन मैं इसी पे इस अल्लामा के इस मिसरे इस जुमले पे हेयर इज देन प्योर ड्यूरेशन अन एडल्टीरेटेड बाई स्पेस, कि आपको प्योर ड्यूरेशन का वो तजर्बा होता है जिसमें मकानियत का मादियत का शायबा तक नहीं होता। तो अब ये वो लम्हा है जिसे कुल बिन वाफल भी कहा गया है और सूफियात भी उसको बहुत तफसीलात हैं। अब उसकी तरफ हम नहीं जाते, अब हम आगे चलते हैं कौम की तरफ। जब यहाँ से बात आगे चलती है जी, तो फिर दूसरा जो पहलू है बेखुदी का, यानी अब हमने इंडिविजुअल लेवल पे देख लिया, क्या देख लिया जी, पहली बात क्या देख ली कि जो अना के जाल हैं दुनिया की कशिश ने जो अना के ऊपर और हमारी खुदी की आँख के ऊपर तान रखे हैं उनको फाड़ देना है, उनसे निकलना है और अपने आप को तबीब के सपोर्ट करना है, अम्बिया की तालीमात के सपोर्ट करना है, और दूसरा अपनी बातन की उस जहद को एक्टिवेट करना है जो हमें सीरियल टाइम से मादियत से निकाल के जो अबदियत का लम्हा हमारे अंदर पोशीदा है उस लम्हे के अंदर हमें लिव करने की कैपेसिटी दे। जब कौमी सतह पे आते हैं तो अब अल्लामा यहाँ फिर कौमी वाले से जो बातें करते हैं, पहली बात फरमाते हैं वो क्या है, फरमाते हैं कि फ़र्द और मिल्लत का रब्त क्या है। अब इज्तमाई अना की बात शुरू होगी, इज्तमाई वजूद की बात शुरू होगी, कोलेक्टिव सेल्फ की बात शुरू हो गई। अब अल्लामा फरमा रहे हैं कि फ़र्द रा रबते जमात रहमत अस्त, जो हरे उरा कमाल अज मिल्लत अस्त। कि फ़र्द ज़ाती तौर पे कुछ नहीं है, तन्हा फ़र्द कुछ नहीं, कितने कमालात पे क्यों ना पहुँच जाए वो किसी वक्त भी कमालात से महरूम हो सकता है अगर वो मिल्लत का हिस्सा नहीं है। वजह
फरमाते हैं वजह यह है, हरफे जहां कौन गुफ्ता खैर बशर हस्त शैतान अज जमात दूर तर। फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कभी ना भूलना, शैतान जमात से दूर होता है, यदुल्लाह अलल जमात, जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह की प्रोटेक्शन होती है। जब आप जमात के साथ रहते हैं तो आप महफूज रहते हैं, आप शैतान की गिरफ्त से महफूज रहते हैं। और जब जमात से मन शज़्ज़ फिन्नार, जब आप जमात से अलग हुए तो कट गए, जब कट गए तो तबाह हो गए। तो पैगंबर हुजूर खैरुल बशर का ये फरमान है, इसको पकड़ो। फरमाते हैं फर्द ता अंदर जमात गुम शवद कतरा वुसअत तलब कुलज़म शवद। फर्द एक कतरा है, जब ये जमात का हिस्सा बनता है तो ये समंदर बन जाता है, होता कतरा ही है, लेकिन समंदर होने के नाते आप उसे कतरा कोई नहीं कहता, आप कहते हैं ये समंदर है। तो तुम्हें कुलज़म बनने की तरफ जाना है। तू खुदी रा तू खुदी अजबे खुदी नश नाखती खीशरा अंदर गुमान दाखती। फरमाते हैं तूने सिर्फ खुदी की बात की, बेखुदी को नहीं समझा। यानी बेखुदी का मतलब अब ये जमाती हवाले से जो कह रहे हैं, जमात के तनाजर में कह रहे हैं क्या कि जब जमात सामने हो तो उसमें फिर अपने आप को गुम कर दो। कोलेक्टिव सेल्फ के सामने इंडिविजुअल सेल्फ को सबमिसिव रखो, अपने जाती गुमान जाती मुफादात जाती ऑब्जेक्टिव जाती मकासद जाती मंजिलें कौमी मकसद कौमी मंजिल और कौमी नस्बलैन पे गालिब न करो, ये तबाही का रास्ता है। फितरतश आज़ाद व हम जंजीरी अस्त जुज्व पूरा कुव्वत कुल गिरी अस्त। फरमाते हैं कि ये जो इंसानी खुदी है इसकी फितरत में दोनों चीज़ें हैं, आज़ादी भी है और कैद भी है। जब इंडिविजुअल है तो आज़ादी में है, लेकिन जब जमात के साथ है तो फिर आइन का पाबंद है, अब कैद के साथ है, अब जमाती नज़म का पाबंद है। और उसका क्या नतीजा निकलता है, उससे इसके अंदर कुल गिरी की सिफत पैदा होती है। दर जमात खुद शिकन गर्दत खुदी ताज़े गुल बरगे चमन गर्दत खुदी। फरमाते हैं कि खुद ही एक फूल है, ये चमन बन जाती है जब ये अपने आप को जमात में फना करती है। यानी मिल्लत के वजूद के साथ फर्द के वजूद की बका है, और अगर फर्द अपना कितनी अपने आप को डेवलप कर ले, अगर उसके गिर्द माहौल ही काफिराना है तो फिर अपनी बका अपनी उस सारी डेवलपमेंट को प्रिजर्व ही नहीं रख सकता। ये हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स ऐसे माहौल में रहता हो कि जिसके इर्द गिर्द काफिराना माहौल गालिब, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, काफिराना माहौल गालिब हो, और अगर उसका दीन चला जाए तो अल्लाह और उसका रसूल उसके जामन नहीं है। देखें कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है भाई, आप अपने आप को उस माहौल में रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं जाके आपने कंप्रोमाइज करना है। अब आपको मोमिनाना माहौल चाहिए, अपने अपनी इंडिविजुअल मोमिनाना करेक्टर को अपनी इंडिविजुअल डेवलप्ड खुदी को महफूज रखने के लिए आपको खुदी दोस्त माहौल चाहिए, ईमान दोस्त माहौल चाहिए, वो सिर्फ मिल्लत के अंदर पॉसिबल है। और एंड इसका मौलाना रूम के शेर पे करते हैं, नुक्ता चूं तैगे पोला दस्त तेज गर नमी फहमी जे पेशे मा ग्रेज। पहला दफ्तर है उससे शेर लेके आए, फरमाते हैं मेरे जो खुदी के नुक्ते हैं ना ये फौलादी तलवार की तरह हैं, अगर तुम्हें समझ नहीं ना आती तुम अज़म नहीं कर सकते तो साइड पे हो जाओ, मेरे तालीम खुदी तो ऐसे ही है बस, कि इसके लिए कुछ मुशक्क़तें करनी पड़ती हैं और कहीं कुछ छोड़ना पड़ता है। जब ज़ाती खुदी की बात है तो मुशक्क़त का रास्ता है, और जब इज्तमाई खुदी की बात है बेखुदी की बात है तो फिर कुर्बानी का रास्ता है, अपने आप को कुर्बान करने का रास्ता है, अपनी पसंद नापसंद अपनी ख्वाहिशात को तरजीह सानी बनाने का रास्ता है। और अगर ये तुमसे नहीं हो सकता तो फिर तुम्हें मेरा हमसफर बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद अगली नज़म जो है वो भी इसी बारे में है, यानी पहले क्या एक्सप्लेन करते हैं फ़र्द और रब्त का ताल्लुक क्या है, फिर फरमाते हैं कि दरमाना ही कि मिल्लत से इख्तलात अफराद पैदा में शवत व तकमील व तरबियत हो तकमील तरबियत हो अस नबुव्वत अस्त। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप देखें हमने दिबाचे में बात की थी, अल्लामा फरमा रहे थे दिबाचे में जो बात की है क्या की कि इज्तमाई खुदी को इज्तमाई अना को तश्कील पजीर करने के लिए एक आइन की ज़रूरत है, वो आइन क्या है, वो आइन फरमाते हैं आइन नबुव्वत है। यानी जो फ़र्द की तकमील है, मिल्लत कैसे बनती है अफराद के मिलने से, और उस मिल्लत की तरबियत कैसे होती है वो नबुव्वत से होती है। फरमाते हैं दर जमात फर्द राबी नेम मा अस चमन उरा चू गुल चीनेम मा। फरमाते हैं फर्द जमात में बिल्कुल ऐसे है
जैसे गुलस्तान के अंदर, बाग के अंदर, फूलों के बाग के अंदर एक फूल होता है। फितरतश वारफ्ताए यकताई अस्त हिफ्से ऊ अस अंजमन आराई अस्त। फरमाते हैं कि जो इंसान, जो फर्द है, उसकी फितरत तो यकताई है, लेकिन उसकी हिफाजत अंजमन के साथ है। तनहा रह के उसकी हिफाजत नहीं हो सकती। क्या क्यों हिफाजत अंजमन के साथ है? फरमाते हैं महफिल अंजम ये जज्ब बहम अस्त हस्ती कोकब ये कोकब मोहकम अस्त। फरमाते हैं कि जो आप देखते हैं ना आसमान पर कितनी प्यारी महफिल लगी हुई है सितारों की, ये जज्ब बहम की वजह से कायम है। एक सितारा भी अपना जज्ब छोड़ दे तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर। ये ग्रेविटेशनल सिस्टम है, अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशन का सिस्टम है, जिसने हर सितारे को, हर अजराम फर्गी में से, हर ह्यूमनली बॉडी में से, हर बॉडी को अपनी जगह पर रखा हुआ है। एक कोकब दूसरे कोकब की वजह से, एक सितारा दूसरे सितारे की वजह से अपनी जगह पर रुका हुआ है। बहनी सोसाइटी भी है कि इंसानी माशरा भी जब अपनी अंजमन आराई को डेवलप करता है तो उससे एक मुस्तहकम सोसाइटी बनती है। अब इस सोसाइटी को बेहतर कैसे करना है? फरमाते उसकी बेहतरी का रास्ता ये है ता खुदा साहिब दिले पैदा कुनद के उज़े हरफे दफ्तरे इमला कुनद। अल्लाह एक नबी को भेजता है, अल्लाह ने एक नबी को भेजा, एक साहिब दिल पैगंबर को भेजा, एक हरफ से पूरा दफ्तर, पूरी किताब लिखवा दी। पैगंबर एक हस्ती है, एक फर्द, लेकिन उनसे पूरी एक मिल्लत ने जन्म लिया, एक तहजीब ने जन्म लिया के उज़े हरफे दफ्तरे इमला कुनद। पूरी मिल्लत एक दफ्तर है, एक किताब है, हज़ार हर सफ़ात की किताब है। यह किताब एक हरफ से वजूद में आई है, वो हरफ कौन है? वो नबी की ज़ात है। तो फरमाते हैं यहाँ से फिर मिल्लत की तरबियत शुरू होती है। सास परदाजे की अजावाज आई खाक रा बख्शत हयात दाज आई। फरमाते हैं कि उसके पास एक ऐसा, इस साहिब दिल के पास वो साज है जिसकी सदा से, अब अल्लामा यहाँ फरमाते हैं कि ये जो आवाज़ आई है ये मौसीकी की इस्तिलाह है जो दो आवाज़ों से बनती है। तो इसका मतलब क्या है? वही दीन और दुनिया दोनों का इहाता करके चलती है। तो पैगंबर की जो सदा है वो क्या है? वो दीन और दुनिया दोनों को लेके चलने वाली सदा है। उससे मट्टी के वजूद को ज़िंदगी मिल गई है। जर्राए बेमाए जोगीर जो गीरद अजू हर मताए अर्ज नो गीरद अजू। फरमाते हैं कि ये वैसे तो सारे अफराद माशरा बेरोशन बेनूर चीज़ें थीं, लेकिन इनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से, आपकी हिदायत से क्या मिल गई? रोशनी मिल गई। नक्श पायश खाक रा बीना कुनद जर्रा रा चश्मक जने सीना कुनद। यानी हुज़ूर के नक्श पा से हमें रहनुमाई मिली और हमारे जर्रे कोई तूर की रशक का सामान बन गए। बंद हा अज पा कुशायद बंदा रा अज खुदा बंदा रुबायद बंदा रा। हुज़ूर ने क्या किया? हुज़ूर ने इंसानियत के पाँव में बंधी हुई बेड़ियों को तोड़ डाला और झूठे खुदाओं से इंसानियत को आज़ाद कर दिया। ताश हुए यक मुद्दा आयश मी कशद हल्काए आई बपायश मी कशद। उधर से आज़ाद किया लेकिन एक और जगह का पाबंद कर दिया। वो पाबंदी अब एक ज़ात की पाबंदी है, एक मुद्दा की पाबंदी है, एक आइन की पाबंदी है। ज़ात खुदावंद का ग़ुलाम बना दिया। नुक्ता तोहीद बाज आमोजदश रस्म आईन नियाज आमोजदश। फरमाते हैं कि आप सल्लम ने इस मिल्लत को नुक्ता तोहीद समझाया और इस साइन का पाबंद किया जो अल्लाह का दिया हुआ आइन है। अब यहाँ पे अल्लामा अब देखें बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं। पहले किस बात की वजाहत की कि फ़र्द और मिल्लत का ताल्लुक क्या है, फिर इस बात की वजाहत की कि मिल्लत बनती अफराद से है और अफराद से जब बन जाती है तो अब उसकी सूरतगरी, उसके खद्दो खाल को हसीन व जमील बनाना, उसको एक नज़्म व ज़ब्त देना, ये सारे का सारा मुमकिन है आईने नबूवत से, आप सस्म के दी हुए सिस्टम से, आपकी दी हिदायत से, कुरान मजीद से। कि जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने मुर्दा इंसानियत को ज़िंदा किया, झूठी गुलामियों से आज़ाद किया और वही का निज़ाम दे के उसको ज़िंदा जावेद बना दिया। अब इससे बात बतदरीज आगे चलते हैं और आप देखें कि पूरी जो रमूज़ बेखुदी है उसके आगे जितने मजामीन हैं अब इसी नुक्ते की वजाहत हैं। यानी अगर आप पूरी रमूज़ बेखुदी को देखें तो ये जो इज्तमाई वजूद, इज्तमाई जो हमारी कलेक्टिव सेल्फ है, इसको डेवलप करने के जो स्टेप्स हैं उनको अल्लामा ने बयान किया है और सारे मजामीन को आप कमोबेश पाँच हिस्सों में
समझ सकते हैं पांच हिस्सों में, सारे अव्वल से लेकर आखिर तक। सबसे पहले तारफ, जिसमें मैंने ये चीज़ें आपके सामने बयान की, यानी तारफ के अंदर तीन चीज़ें हैं। मौलाना रूम का शेर, जिसकी मैंने वजाहत की कि बेखुदी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, फ़र्द और मिल्लत का ताल्लुक, और मिल्लत का आइन नबुवत से मुज़य्यन होके किसी मकाम मनसब का हामिल बनना। ये तीन बातें बतौर तारफ के अल्लामा ने पहले हिस्से में बयान कर दी। अच्छा, उसके बाद अगला जो मरहला आता है, जब ये तय हो गया कि ये मिल्लत वजूद में आ गई, ये इस मिल्लत का आइन है, फिर आप बताते हैं कि इस मिल्लत के अरकान कौन से हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इसके जाय तरकीबी क्या हैं जिनसे ये मिल्लत बनती है। तो फरमाते हैं उसका पहला रुकन तौहीद है, दूसरा रुकन रिसालत है, यानी तौहीद और रिसालत के ज़रिए से मिल्लत इस्लामिया वजूद पजीर होती है। अब जिस तरह अल्लामा ने तौहीद और रिसालत की जहाँ वजाहत की है, दिस इज़ टोटली यूनिक, यानी बिल्कुल एक नई डायमेंशन है, और ये अल्लामा की अबकरियत है कि इस तरह से तौहीद और रिसालत को हमारी ट्रेडिशन में नहीं बयान किया गया। और ये एक हकीमाना बसीरत है अल्लामा की कि उसी नुस्खे की मियाँ को जो सदियों से मिल्लत इस्तेमाल कर रही थी, जब मिल्लत की बीमारियाँ बदल गईं तो उस नुस्खा यकीमाना को, नुस्खा कीमिया को किस तरह बदली हुई बीमारी की शफा के लिए इस्तेमाल करना है, अल्लामा ने वो यहाँ करके दिखाया है। तौहीद का जब जिक्र किया, अब तौहीद की के जेल में जो बुनियादी नुक्ता अल्लामा बयान करते हैं, आप देखें तौहीद को बयान करने के हज़ार तरीके हो सकते हैं, हज़ार डायमेंशन हो सकती हैं, अल्लामा ने एक डायमेंशन को फोकस किया जिसकी ज़रूरत थी। वो क्या फरमाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर तौहीद है, उसकी एक निशानी है, फिर तुम्हारे दिल में खौफ नहीं होगा। एक गुलाम कौम को तौहीद सिखा रहे हैं इकबाल, अगर तुम्हारे अंदर तौहीद है। अब देखिए उन्वान क्या है, फरमाते हैं दरमाना ही के यास हो हुस्न खौफ उम्मल खबाइस अस्त और काते हयात व तौहीद अजालाए ई अमराज खबीसा मी कुनत। फरमाते हैं ये जो खौफ होता है ना, मायूसी खौफ, ये खराबी नहीं है, ये खराबियों की माँ है, उम्मल खबाइस है, इससे हयात मिल्लिया तबाह बर्बाद हो जाती है। आप देखें गुलामी की ज़िंदगी गुजारने वाली कौम सदियों से हर वक्त, देखें हम आज भी डरे हुए हैं, आप ज़रा तसव्वुर करें, यकीन करें, अक्सर बंदा देखता है बड़े बड़े लोगों को देख के दंग रह जाता है कि लोगों के एटीट्यूड, छोटी छोटी बात पे, छोटे से मुफाद के लिए लोग डर जाते हैं। छोटी सी मैं यहाँ मिसालें देने लगूँ तो आप इंजॉय भी करेंगे, लेकिन ये मौका नहीं है, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। यानी हम आज भी एक डरी हुई कौम है, मुस्तकबिल से मायूस कौम है, हम बेखुदा कौम है, हमारा कोई खुदा से लेना देना नहीं है, ये सब रस्मी काम है सारे। वो कहते हैं ना कि एक बंदा था तो वो पहाड़ पे चढ़ रहा था, रात का वक्त था, तो उसका पांव स्लिप हो गया, गिरना लगा, गिरते 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 क्या अचानक उसके हाथ में शाख आ गई और लटका हुआ है, पहाड़ी पता नहीं नीचे कितनी गहरी खाई है, टूट गई शाख, तो जाऊँगा कहाँ। तो जनाब कहता है या अल्लाह, अब तो बस सारे दरवाजे बंद हो गए, तेरा ही दरवाज़ा है, तेरी बारगाह में इल्तिजा, मेरी को निजात का सामान कर। ऊपर से आवाज़ आई, बंदे तूने बड़े खलास से बुलाया है, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, तेरी निजात का वक्त आ गया, इसको छोड़ दे, शाह को छोड़ दे। उसने कहा दाइम कोई और है। उसने दाएं बाएं देखा और कहा कोई और है, भाई अल्लाह वाला तो जवाब ही हो गया। कोई है जो मुझे आगे यहाँ से निकाले, ये हमारा यकीन है। और कहने वाले कहते हैं कि जब सुबह आके देखा वो मरा हुआ था और नीचे 1.5 फुट के बाद ज़मीन थी, ठीक है ना। अब मैं एक और वाक़े का भी इजाफा कर दूं, हज़रत अबुल फजल खुरासानी बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनका वाक़या है, और कमाल की बात है इस वाक़े को इमाम गजाली ने बयान किया, महाराजुल बहरैन में शाह अब्दुल हक मुहद्दस दहलवी ने बयान किया, और हज़रत अली हजवैर ने कशफुल महजूब में बयान किया। अबुल फजल खुरासानी रास्ते में सफ़र में थे, तो जा रहे थे तो पता नहीं चला कोई अंधा कुआं था, उसमें गिर गए। जब गिर गए तो दाएं बाएं से लोग गुजर रहे हैं, तो उनके दिल में ख्याल आया किसी को बुलाऊं। जब बुलाने का ख्याल आया तो दिल में ख्याल आया यार खुरासानी तुम सारी ज़िंदगी तवक्कुल करते रहे हो, जो लोग तुम्हारे पास तरबियत के लिए आते थे उन्हें भी तवक्कुल की तालीम देते थे, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह हो सकता है ये मेरे इम्तिहान का वक्त हो, अल्लाह मालिक है। अच्छा, अब जनाब अचानक कोई समझदार लोग गुजरे, उन्होंने देखा यार ये अंधा कुएं को गिर ना जाए, इसमें कितना जुल्म है, किसी को ख्याल ही नहीं है, अजीब लावारस निज़ाम है, इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा जी वो लाओ ये फट्टे वट्टे कोई शाखें, इसको बंद करते हैं।
अच्छा जी, चार पांच बंदे थे, उन्होंने फौरन एक दो दरख्तों की शाखें तोड़ी, ये वो ऊपर चटाने रख बंद करना शुरू कर दिया। उसने दरमियान बुजुर्गों ने सोचा यार ये काम खराब, कहा इनको कहूँ मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। फिर ख्याल आया कि हो सकता है यही वक्त इम्तिहान हो, जिंदगी सारी जो बात की थी ये होता है मिस्टेक, ये सूफी होता है। देखें सूफी किसको कहते हैं, कमिटमेंट, एक सोच है ना, ख्याल है ना, करेक्टनेस ऑफ थाट, अल्लाह पे भरोसा, बस उससे फिर हिलना नहीं है, फिर अल्लाह भी बंदे को नहीं छोड़ता। जब बंदा अल्लाह को ना छोड़े, इंसान सुल्ला यंसा कुम, अगर अल्लाह को भूलोगे कुरान मजीद अल्लाह तुम्हें भूलेगा, फ़ज़कुरुल्लाह यज़कुरकुम, तुम अल्लाह को याद करो फिर अल्लाह तुम्हें नहीं भूलेगा। तो उन्होंने कहा अल्लाह वालक, उन्होंने ये खूब बनसन कर दिया, चले गए। अब जी उन्होंने कहा आप नमाज रोज़ा करें अंदर ही, अब कब्र तो बन गई है। रात का वक्त हुआ तो उन्होंने देखा कि एक दरस थी वहाँ से चांदनी नीचे आ रही है, चांदनी की अचानक देख रस्सी सी नीचे आ रही है। होते होते जब रस्सी उनके सर पे पहुंची तो उन्होंने देखा ये तो अजदहा है। अब उन्होंने कहा यार ये अननेचुरल है, इस तरह कभी अजदहा नहीं है। तो उन्होंने रस्सी को पकड़ा तो अजदहा ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब बाहर निकले तो अजदहा वजदहा कुछ भी नहीं था। आवाज़ आई है अबुल फजल तू अपनी निजात देख, तेरी निजात कितनी अजीब निजात है, हमने तुझे मौत के जरिए मौत से बचाया। तो बात यह है अल्लामा ये कहते हैं कि ये जो खौफ है ना जी, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी मैं यहाँ से चल के यहाँ आया हूँ आपके पास इस स्टेज पे, जितने रास्ते से चल के आया हूँ इसकी आधा फुट से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होगी, एक फुट लगा लें, इसी को उठा लें दीवार को, इतनी दीवार उठा लें, उठा के 100 फुट ऊँच चले जाएँ और मुझे कहें इस पर चले मैं कभी नहीं चलूँगा, मुझे डर मैं गिर जाऊँगा। हालाँकि जगह उतनी है, थोड़ा सा 2000 फुट ऊपर कर ले तो मैं तो तौबा, आप मुझे 1000 रुपये नाम भी दें कभी नहीं चलूँगा। लेकिन जिसके अंदर खौफ नहीं है मोटरसाइकिल पे बैठता है और रस्से के ऊपर चलते चलते इस पार से उस पार पे चला जाता है, क्यों उसे खौफ नहीं है, उसने अपने अंदर के खौफ को एक प्रैक्टिस के जरिए से निकाल दिया है। तौहीद एक मश्क है, एक अमल है जो इंसान के बातिन के सारे खौफों को ख़त्म कर देता है। तो अल्लामा कह रहे हैं अगर आपके अंदर तौहीद है और खौफ है, ये नहीं होता, हर के रमज़े ला इला फहमीद आस्त शेर करा दर खौफ मुजमर दीद आस्त, जिसको ला इला का माना समझ आ गया वो समझ जाता है कि खौफ और ला इला एक दिल में नहीं रह सकते, ये शिर्क है। इस नुक्ते की वजाहत के लिए दो अकायदें बयान करते हैं। एक अकायद ये है, एक तीर है और एक तलवार है जो आपस में डायलाग कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। पूछता है तलवार तीर से तुम्हारा काम क्या है, तीर जवाब देता है मेरा काम यह है जनाब, मैं वैसे तो रहता हूँ उसमें ज़खीरे में, लेकिन जब जंग का मौका होता है तो कमान चलाने वाला तीर अंदाज मुझे निकालता है और जब मुझे चलाता है मैं मुहालिफ के सीने पे जाके लगता हूँ, लेकिन वो दिल जिसमें खौफ होता है उसको 1000 टुकड़े में बदल देता हूँ, लेकिन वो दिल जिसमें खौफ नहीं होता मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहाँ मैं बेअसर रहता हूँ। अब यहाँ भी अल्लामा बता रहे हैं शहादत मतलूब व मकसूद मोमन नमाल गनीमत न कश्वर कुश है, जब खौफ निकल जाए फिर मौत एक खेल लगता है और मौत से आशना करने वाले हथियार मजाक लगते हैं, फिर बंदा नहीं डरता उनसे। दूसरी अकायद औरंगज़ेब आलमगीर की बयान करते हैं जिसमें फिर इस नुक्ते को मजीद इलाबोरेट करते हैं कि औरंगज़ेब वाक़ के लिए सुबह निकला अपने खुद्दाम के साथ बाग में जंगल में, तो नमाज का वक्त आया तो फजर की नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ रहा था शेर आ गया, जैसे शेर ने आके हट डाला इंसान को खाने के लिए, औरंगज़ेब ने निकाला खंजर उदो ली, नमाज के दौरान ही उसके दो हिस्से कर दिए और कहा कि फिर अल्लामा कहते हैं ये होता है बंदा मोमिन, क्या उसका इन्हिमाक था नमाज के अंदर और नमाज के मकसद से वो कितना आगाह था। या मैं आपको औरंगज़ेब का एक ज़िंदगी का एक और वाक़या सुनाऊँ कि औरंगज़ेब आलमगीर का एक बेटा था शहज़ादा था, नाम भी मेरे ज़हन से उतर गया, जो बागी हो गया और मुखालफ सरदारों के साथ मिल गया और किसी रियासत में जाके फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी, साजिशें शुरू कर दी। औरंगज़ेब को पता चला कि मेरा बेटा वहाँ जाके ये काम में लगा हुआ है। औरंगज़ेब जनाब उस अपने बेटे से मिलने चला गया और लश्कर को बाहर खड़ा किया और ख़ुद एक बॉडीगार्ड को लिया या तन्हाई घोड़े पर बैठा और उस इलाके में चला गया। मस्जिद में गया, नमाज का वक़्त था तो बंदे को भेजा, उसको बुला के लाओ शहजादा। शहजादा आया देख के दंग रह गया, बादशाह कैसे आ गया। उसका मेरे पास गर्मी का मौसम था, सख्त पसीना पसीना बैठा, तो उसने कहा बेटा बैठा उधर, बेटा सामने बैठा, तो
तो औरंगज़ेब ने कमर से निकाला खंजर, उसको दिया, बल्कि उसको कहा यार ये मेरा बटन जो है ना ज़रा खोल दो, मेरा सांस घुट रहा है गर्मी से। तो शहज़ादा बटन नहीं खोल सका, उस पर इतना लर्जा तारी था। तो औरंगज़ेब ने अपना खंजर उसको दिया, यार काट दो इसको, मेरा दम नहीं घुट रहा है, काट दो, नहीं खुलता। उसने खंजर फेंक दिया, उसका मुझसे नहीं होता। औरंगज़ेब ने कहा मैं तुम्हें सब ये समझाने के लिए आया हूँ, मैं अकेला बैठा हूँ, खंजर तुम्हारे हाथ में है और हालत तुम्हारी क्या, तुम मेरे खिलाफ़ साजिशें कर रहे हो। हैबत कहीं और से आती है, ये ईमान और तौहीद की बरकत इंसान के अंदर से फूटती है। अल्लामा कह रहे हैं जब तौहीद दिल में जागजी हो जाए, और जागजी ना हो तो फिर रस्म है। पानी की बोतल हो उसके ऊपर जमजम लगा देने से क्या होता है, वो जमजम थोड़ी बन जाता है। तो अल्लामा पहला जो करैक्टरिस्टिक है तो तौहीद को बयान करते हैं, और तौहीद को बयान करने के बाद तौहीद का एक ही क्राइटेरियन दे रहे हैं और उसको दो हकायतों से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या? आप लोगों को बेखौफ होना चाहिए, आप लोगों को मायूसी को मायूस करने वाला होना चाहिए। कुछ भी हो जाए अल्लाह के इम्कानात कभी ख़त्म नहीं होते, आप अल्लाह से मायूस ना ला तकना तो। अगर मौत से भी दो चार हो जाए आपके बाद कोई आएगा जो आपके अधूरे मिशन को मुकम्मल करेगा, मायूसी किस बात की है? हमारी ज़िंदगी मरने पर ख़त्म हो जाती है, हमारा ज़िंदगी का पैटर्न और है, हमारा ज़िंदगी का मयार और है, हमारी तरजीहात और हैं। भाई हम उस तरह नहीं हैं जिस तरह तौहीद के मुनकरीन हैं। तो अब ये जो पर्सपेक्टिव है तौहीद का, इसको अल्लामा यहाँ बयान कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा रुकन है रिसालत। फरमाते हैं रिसालत से मिल्लत बनती है। अच्छा, अब रिसालत का भी एक ही खसूसियत बताते हैं, क्या है? ऐसी सोसाइटी जो हुर्रियत, मुसावात और अखुव्वत पर मबनी हो। अगर आप रिसालत को मानने वाले हैं और आपके माशरे में हुर्रियत नहीं है, मुसावात नहीं है, अखुव्वत नहीं है, तो फिर ये दावा झूठा है। अब अच्छा, इसकी वजह भी तीन वाक़ियात से करते हैं, तीन हकायतों से करते हैं। सबसे पहले अबू बेदा सख्फी और जाबान की हकायत से करते हैं। जाबान जो था ईरान का लश्कर का कमांडर था, एक जंग थी जिसमें वो गिरफ़्तार हो गया, और जब वो गिरफ़्तार हुआ तो एक आम सिपाही ने उसको गिरफ़्तार किया, तो उसने जाहिर नहीं किया मैं जर्नैल हूँ। उसने आम सिपाही सबको कहा यार मेरी मुझे अमान दे दो, मैं नहीं जंग लड़ता। आम सिपाही ने उसको अमान दे दी। जब जंग ख़त्म हुई तो पता चला ये तो ईरानियों का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ था, तो इसको कैसे अमान दे दी? उसको पकड़ के ले गए अबू बैदा सख्फी जो कमांडर इन चीफ थे उस लश्कर के मुस्लिम, उनके पास, कि इसने धोखे से अमान ली है। तो अब कमाल जवाब दिया अबू बैदा सख्फी ने, लामान फरमाते हैं उसने जवाब क्या दिया, आपने फरमाया हम मुसलमान हैं, हमारे नज़दीक सारे मुसलमान बराबर हैं, एक आम सिपाही अमान दे या कमांडर इन चीफ अमान दे, दोनों अमान बराबर हैं, इसको कुछ नहीं कहा जाएगा। फरमाते ये क़ुव्वत होती है। दूसरा वाक़या बयान करते हैं सुल्तान मुराद का और मैमार का, कि सुल्तान मुराद ने एक मस्जिद बनवाई और उसने पसंद नहीं आई, मैमार को बुलाया उसका हाथ काट दिया। मैमार को बड़ी तकलीफ हुई, वो काजी के पास चला गया। काजी ने बुलाया सुल्तान को और कहा सुल्तान आपको पता है ना कुरान मजीद का क्या हुक्म है, इन नफी कसास हयात, ज़िंदगी कसास के अंदर है तो कसास देना होगा। तो सुल्तान ने कुछ नहीं किया, फ़ौरन हाथ सामने रख दिया। जब उसने ये मंजर देखा मैमार के आंसू निकले, उसने कहा नहीं मैं माफ़ करता हूँ सुल्तान को। ये मुसावात होती है कि आप कानून के निफाज में अदना वाला को ना देखें। उहुवत ये होती है तकरीम में किसी को छोटा बड़ा ना समझे। और हुर्रियत क्या है? उसके लिए अल्लामा ने एक ही वाक़या दिया है, कमाल वो वाक़या करबला है, सिरे हादसा करबला। अल्लामा फरमाते हैं हुर्रियत है कि हुसैन ने एक ही जुमला आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, ये हुर्रियत है। आपने ग़ुलामी को कबूल नहीं किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो अब ये जो चीज़ें हैं तीनों असूलों को अल्लामा ने तीन मुख्तलिफ़ अकायदों से एस्टेब्लिश किया। फरमाते हैं मिल्लत इस्लामिया आइन की पाबंद है, आइन नबूवत की, और मिल्लत इस्लामिया बनती किससे? तौहीद और रसालत से। मतलब क्या है? तौहीद के ज़रिए इसमें बेखौफी और मायूसी का ख़ात्मा होना चाहिए, और रसालत के ज़रिए से इसमें हुर्रियत, मुसावात और अख़ुव्वत होनी चाहिए। ये इज्तमाई बेखुदी है। आप देखें ना बेखुदी है ना, कानून आ गया तो बादशाह भी हाथ कटवाने पर तैयार है। उसने नहीं कहा मैं बादशाह वक्त हूँ, ये कानून मेरे लिए रह गया हाथ काटने के लिए, तो मुरे मुल्कत कौन चलाएगा? ऐसी बात नहीं है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद फिर अब थोड़ा सा वक्त जितना मुयस्सर है
तीसरे पहलू पे लगाते हैं, जो तीसरा हिस्सा है मज़ामीन का, जब मिल्लत बन गई और मिल्लत के जाय तरकीबी भी पता चल गई, अब बताते हैं मिल्लत के खसाइस क्या क्या है, मिल्लत इस्लामी के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर क्या है, अल्लामा फरमाते हैं ये जमा और मकां से मावरा है, ये जमा और मकां की पाबंद नहीं है, क्योंकि ये इन्ना नख्नु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून पर बेस्ड है। हमारी बुनियाद कुरान है और कुरान की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को ज़िक्र कहा है, किताब नहीं कहा, इन्ना नख्नु नज़्ज़लना किताब, ये नहीं कहा हमने किताब उतारी और हम इसके महफूज़ हैं, कहा इन्ना नख्नु नज़्ज़लना ज़िक्र। अच्छा, अब अल्लामा से अजीब नुक्ता निकालते हैं, फरमाते हैं ज़िक्र कायम अज़ क़याम ज़ाकिरस्त, भी जब जिक्र करने वाला तो कोई होगा तो जिक्र होगा ना, वरना तो जिक्र नहीं है। अगर किताब होती तो लाइब्रेरी में भी पढ़ी होती, महफूज थी। कुरान तभी महफूज है कोई कुरान पढ़ने वाला हो, ये इसका जिक्र होने का मनसब तभी जारी है सारी नहीं, जब कोई जाकर हो, जाकर मिल्लत इस्लामिया है। इसलिए अल्लामा कहते हैं अज अजल ई कौम बेपरवास्ते इस्तवार अज नखनो नज़्ज़ल नास्ते, हर कौम के लिए अजल है, ले कुल उम्मतिन अजल फाइजा जा अजल हम, हर कौम के लिए एक लम्हा फैसल है, जब वो आ गया फिर हम आगे पीछे नहीं देते, उसको को तबाह बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मिल्लत इस्लामी के लिए कानून नहीं है। आज अजल ही कौम बेपरवास थे, अल्लाह ने कानून अजल इस उम्मत में नाफज नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह इनाम की आयत की तफसीर में वो आता है कि मिल्लत इस्लामिया कभी भी इज्तमाही तौर पर अजाब से दो चार नहीं होगी, कभी भी इज्तमाही तौर पर गुमराह नहीं होगी, और कभी भी इज्तमाही तौर पर तबाह बर्बाद नहीं होगी। ये मिल्लत बतौर मिल्लत मौजूद रहेगी, और जिस वक्त इस मिल्लत का वजूद ख़त्म हो गया फिर क़यामत का क़याम होगा, और वह लम्हा आखिरी होगा इस कायनात का। तो फरमाते हैं ये जमाओ मकां से मावरा है, इसकी असास वतन नहीं है। अब आप देखें ये कब की, 1918 की बात है, यही बात इकबाल ने अल्लामा ने 1930 के खुतबे अलाहाबाद में कही। यदि आप तसव्वुर करें क्या शख्सियत है और फिक्र के अंदर क्या तसलसल है, क्या मेच्योरिटी है, यानी 1918 में कही हुई बात को अल्लामा ने एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी 1930 के खुतबे में, और उससे बड़ा पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट आपके पास आज तक नहीं है, जो आपके पॉलिटिकल फिलॉसफी को, आपके इज्तिमाई वजूद को सियासी तौर पर ट्रांसलेट करके बताता हो। यानी जो बात अल्लामा यहाँ कह रहे हैं वही बात खुतबे अलाहाबाद में भी कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फरमाते हैं कि इस मिल्लत का एक आइन है, और उस आइन, वो आइन क्या है, वो आइन कुरान मजीद है। उसके बाद फरमाते हैं कुरान मजीद कैसे चलेगा, यह इज्तिहाद के जरिए से चलेगा, लेकिन एहतियात ये करनी है, इज्तिहाद गुलामी के ज़माने में नहीं करना, कितनी बड़ी बात है एहतियात। फरमाते हैं गुलामी के ज़माने में, आज़ादी के ज़माने के किए गए इज्तिहाद की तकलीद करनी है, क्योंकि गुलाम कभी भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, गुलामों की सोच भी गुलाम होती है। एक सोच शेर हो ना तो उसका गीदड़ को रानमा बना दे तो बेड़ा गर्क कर देगा, सबका सत्यानाश कर देगा। एक गुलाम कौम जो है वो कभी भी हुर्रियत वाले फैसले नहीं कर सकती। वो आप देखें कि हमारी उस दौर की सोच और आज की सोच में कितना फ़र्क है। यानी आप सिर्फ मैं एक मिसाल के तौर पर रख कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनका नैरेटिव देखें और इस मुल्क के मुसलमानों के अंदर, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। मतलब है कि कितने बड़े फैसले जो पाकिस्तान बनने के बाद आप लोगों ने किए हैं, ये फैसले हो ही नहीं सकते थे अगर ये मुल्क आज़ाद ना होता और आपको आज़ादी नसीब ना होती। और कितने बड़े फितने हैं जो गुलाम हिंदुस्तान में जारी हुए और आज तक जारी हैं, और उन्होंने मिल्लत को तबाह बर्बाद कर दिया है, और ऐसे फितने कभी पैदा नहीं हुए इस मिल्लत में, सबब एक था कि उस वक्त हम गुलाम थे। तो अल्लामा कह रहे हैं गुलामी के ज़माने में इज्तिहाद नहीं करना, और उसके बाद फरमाते हैं कि इस मिल्लत की जो सीरत है वो कुरान मजीद को फॉलो करने में है। तीसरी बात जो फरमाते हैं, इस मिल्लत की एक सीरत भी है, वो कैसे पुख्ता होगी, वो हुज़ूर की सीरत को फॉलो करने में पुख्ता होगी। इस पर बड़ी प्यारी आयत, अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या भी उन्होंने बयान किया है नौजवानी का, किस तरह एक गदागार उनके घर आ गया और लामा ने इसको डांटा तो लामा के वालदे ग्रामी रोने लग गए। इकबाल तूने क्या किया, मैं हुज़ूर को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मेरे नाम पे तेरे दरवाजे पे एक बंदा आया और तुमने उसको डांट के निकाल दिया, और एक नौजवान तेरे पास है तो उसकी तरबियत नहीं कर सका। तो वो असर आखिर तक लामा की ज़िंदगी में रहा। देखें जो लामा कहते हैं कि अज निगाह मुस्तफ़ा पिनहा बगीर, तो इसका असर आपको आगाज़ उस वाक़े में मिलता है जो नौजवानी के ज़माने में अल्लामा की ज़िंदगी में हुआ, और अल्लामा ने उसको बतौर मिसाल यहाँ बयान किया। फिर फरमाते हैं जब एक मिल्लत है उसका एक आइन है, उसकी एक सीरत है, उसका एक मरकज़ भी है, वो मरकज़ बैतुल्ला है, उसका एक नस्बुलैन भी है। नस्बुलैन अब देखें कितना बड़ा नस्बुलैन अल्लामा ने बयान किया, आइन मोहम्मद की हिफाजत और तौहीद की तबलीग।
तौहीद को फ़रोग, नशर तौहीद, तौहीद को फ़रोग देना। अल्लामा कहते हैं कि अगर क़यामत के दिन हुज़ूर ने पूछा कि जो इमानत मैंने तुझे दी थी तूने इंसानियत तक क्यों नहीं पहुँचाई, बल्लिग खुदा हज्जतुल वदा किस पर ख़त्म हुआ है कि जो तुम फल जो बल्लिग वो शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद है बात सुन के उस तक पहुँचा दे जो मौजूद नहीं, और ये काम क़यामत तक चलना चाहिए। तो अल्लामा कह रहे हैं ये काम तो हमने छोड़ दिया। तो मिल्लत का बका और तसलसल इसमें है कि वो अपने मैसेज की कंटिन्यूटी को जारी रखे, और वो तौहीद का तसलसल है, ये हमारा नस्ल-ए-ऐन है। और उसके बाद फरमाते हैं इस मिल्लत की तौसी कैसे होगी, वो कायनात को तस्खीर करने से होगी, जिसकी तरफ हम पहले हिकमत खैर कसीर के उनवान से बात कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अल्लामा फरमाते हैं इस मिल्लत की बका किसके साथ है। अब कमाल की बात है, बड़ा कमाल नुक्ता है, यानी आप देखें आइन क्या है, सीरत क्या है, तो सारी बातें बयान करते करते आखिर में आ जाते हैं बका किस में है, एक ही नुक्ता बयान किया है। फरमाते हैं इस उम्मत की बका इस उम्मत की माओ के हाथ में है। आप औरत को माँ का मनसब दो, औरत को शह ना समझो। जब आप जो सोसाइटी औरत को माँ के मनसब से हटा देती है, वो तबाह बर्बाद हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई मॉरेलिटी नहीं रहती, उसकी कोई अखलाकियात नहीं रहती। मगरब आपके सामने अभी क्वेश्चन भी हुए, शुरू में हमने डिस्कस भी की ये चीज़ें। फरमाते हैं कि ये जो हमारी बका है, दरमाना ही कि बकाए नो अज अमूमत अस्त व हिफ्ज व हिफ्ज एहतराम अमूमत इस्लाम अस्त, इस्लाम की तालीमात जो हैं वो अमूमत को मदरहुड को तहफ़ देती हैं। और उसके बाद जो मुखद्दरात इस्लाम हैं, वेमेन ऑफ इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, उनको ख़िताब करते हैं आप अपने मनसब को पहचान, और आपका आइडियल सिर्फ एक है, वो फातिमतुज़ ज़हरा है। फातिमतुज़ ज़हरा को अपना आइडियल बनाओ, माँ के मनसब को नहीं छोड़ना। उसकी वजह यह है, आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों तले है। ये नहीं फरमाया किसकी जन्नत, ये भी नहीं फरमाया किसकी माँ, फरमाया जन्नत माओ के कदमों तले है। मतलब ये जो सोसाइटी माओ का एहतराम करती है वो सोसाइटी जन्नत बन जाती है, और जो सोसाइटी माँ को माँ नहीं समझती, औरत को माँ नहीं समझती, फिर जन्नत नहीं रहती, वो तबाही, बर्बादी, उरियानी, फहाशी और हर उस चीज़ का की आमाजगा बन जाती है जो इंसानियत के लिए मोहलिक है। उसके बाद जो चौथा हिस्सा है, ये भी यूनिक हिस्सा है अल्लामा की इस मसनवी का, वो सूरह इखलास की तफसीर है। ये भी अल्लामा की डिस्टिंक्शन है। अल्लामा ने कुरान मजीद से इस्तंबात किए, कुरान मजीद की आयत से रहनुमाई ली, पूरी सूरत को अगर कहीं इलाबोरेट किया तो सिर्फ ये एक मकाम है जहाँ पे सूरह इखलास की तफसीर बयान की है। और बयान करने से पहले कहा है कि ये तफसीर मैं खुद नहीं कर रहा, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखा ख्वाब में, और उनसे मैंने पूछा हज़रत मुझे ये बताएं मैं अपनी मिल्लत की बीमारियों का क्या इलाज करूँ, तो उन्होंने फरमाया कि तू सूरह इखलास को भूल गया, आप होता सूरह इखलास की सारी ज़िंदगी और रोशनी तुम्हें सूरह इखलास से मिल सकती है। तो यहाँ को अल्लाह वहद की तफसीर, फिर अल्लाह समद की, फिर लम यलिद की, वलम यूलद की, वलम यकुल कुफुवन अहद की, ज़ाहिर जैसे आपके आपके लेक्चर चलेंगे आप सुनेंगे, यूनिक अंदाज से इलाबोरेट किया, और इस तरह सूरह इखलास को नहीं इलाबोरेट किया गया। अब देखें अल्लाह समद क्या कहते हैं, फरमाते हैं हर के बाद अल्लाह समद दिल बस्ता ही अज हद असबाब बेरू जस्ता ही, जिसे यह समझ आ गई कि अल्लाह समद कौन है फिर वह असबाब का कैदी नहीं रहता, वह असबाब सूट जाता है। वजह यह है जिंदगानी गर्दश दुलाब नीस्त, बंदाए हक बंदाए असबाब नीस्त। दुलाब कहते हैं रहट को, जो रहट पानी खींचते हैं ना तो चलता रहता है, बैल घूम रहा होता है, अब तो मोटरें आ गई बिजली वाली तो चलती हैं तो वो पानी निकालता है नीचे से। अब रहट का खासा ये है कि वही डब्बा होता है और वही पानी होता है, सुबह से शाम तक वही डब्बे होते हैं ना, 10-15-20-100, वो घूमते रहते हैं पानी निकालते रहते हैं। अल्लामा कह रहे हैं ज़िंदगी ये नहीं है, ज़िंदगी का हर लम्हा ताज़ा है। ला तदरी ला अल्लाह युहदिस बादा ज़ालिका अमरा, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की आयत है, लोगों तुम्हें क्या पता अगले लम्हे अल्लाह तुम्हारे लिए क्या फैसला करने वाला है, अल्लाह तुम्हारे लिए क्या इम्कान पैदा करने वाला है, तुम्हें क्या पता। अल्लामा कह रहे हैं ये ज़िंदगी है, इसलिए असबाब रिपीट होने वाली चीज़ है, जब रिपीट होने वाली चीज़ है तो लिमिटेड है, जब लिमिटेड है तो आपकी सोच महदूद है। बंदा मोमन की नज़र असबाब पर नहीं, असबाब के खालिक पे होती है, वो ज़िंदगी को ज़ात खुदाबंद कामल समझता है, अल्लाह की कुदरत की कार फरमाई समझता है, असबाब का खेल नहीं समझता। ये अल्लाह समाद का मतलब है,
یعنی ہر آیت کا ایک یونیک معنی دیا ہے. اور جو آخری نظم ہے وہ کمال نظم ہے جناب, وہ ہے عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین. حضور کی بارگاہ میں التجا ہے, اور التجا یہ ہے کہ یا رسول اللہ, میں اس امت کے بیمار وجود کو لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں علاج کے لیے. یہ ساری عرض ہے, اپنی ذاتی عرض کوئی نہیں کی, ذاتی بیماریاں ذاتی مسائل وہ نہیں بیان کیے, امت کے وجود کو شفا یابی کے لیے حضور کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زندگی ساری محنت کی ہے اور مجھے مزدوری چاہیے. محنت کیا کی ہے؟ محنت یہ کی ہے کہ آپ کی ملت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے, آپ کی ملت کو قرآن مجید کا آپ کا پیغام دیا ہے. اگر پیغام نہیں دیا تو پھر کیا روز معاشر خار اور رسوا کن مرا, بے نصیب از بوسا اے پا کن مرا, کہ قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت سے محروم کر دیں, کتنی بڑی بات ہے, خار اور رسوا کر دیں. اور اگر کیا ہے تو پھر میری التجا یہ ہے کہ مجھے اپنے سایہ دیوار تلے قبر کی جگہ دے دیں. اور آپ دیکھ لیں علامہ کو قبر کی جگہ کہاں ملی. تو یہ عرض جو ہے علامہ کی, اس سے اندازہ کریں کہ یہ علامہ کی درخواست بحضور رحمت اللہ علمین کتنی مقبول درخواست ہے. جو دعا کی اللہ کی بارگاہ سے وہ اللہ نے قبول کی, اور علامہ کو کہاں آخری آرامگاہ نصیب ہوئی. تو اس نظم پہ آ کے رموز بے خودی کا خاتمہ علامہ نے کیا ہے. تو جناب یہ تھوڑا سا اس کا بیان تھا, ان کے مضامین کا اور تصور کا, کہ کس طرح سے ہم نے بے خودی کو سمجھنا ہے علامہ کے دیباچے کی روشنی میں, پھر اس کی اہمیت فرد کے لحاظ سے, ہماری خودی کے ارتقاء کے لحاظ سے, ذات حق کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے, اور اجتماعی وجود کے لحاظ سے, اور اجتماعی وجود کے خصائص کے لحاظ سے, اور اجتماعی وجود کے تسلسل کے لحاظ سے, اور پھر قرآن مجید کی سورہ اخلاص سے جو علامہ نے اس کو اتھنٹیکیٹ کیا ہے, انڈورس کیا ہے, ان تعلیمات کے لحاظ. جی میرے وقت بھی ختم ہو گیا یا ہے ابھی وقت؟ جی بسم اللہ. اچھا جناب, تو دیکھیں جی, ذکر و فکر کا ذکر ہوا کہ بنیادی طور پہ جو ذکر کا تعلق ہے ہماری خودی کے ارتقاء کے حوالے سے, علامہ کے الفاظ اور آپ نے بھی وہ الفاظ اپنے کوشچن میں بھی ریپیٹ کر دیے, کہ وہ ایٹیچیوڈ آف مائنڈ ڈیولپ ہو جس سے ہم قرب خداوند کا تصور کر سکیں, اس کو انڈرسٹینڈ اور اپریشیٹ کر سکیں, اور پھر اس میں لیو کر سکیں, اور پھر اس کو اپنا حال بنا سکیں. وہ صرف ممکن ہے ذکر کے ذریعے سے, ایسا ذکر جس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو. اب ذکر کیا ہے؟ ذکر دراصل صحبت خداوند ہے, یعنی اللہ کی قربت میں موجود ہونا ہے. جس طرح ہم ایک صحبت میں بیٹھے ہیں, کمپنی میں بیٹھے ہیں, تو اس کا ہم ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, اور ہماری شخصیتوں کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. جب ہم آئے تھے ہمارے خیالات کو چھوڑتے, جب ہم نکلیں گے ہمارے خیالات کو چھوڑوں گے. یہ چار پانچ گھنٹے کی جو ہماری نشست ہے, اندازہ کریں اس کا کتنا اثر ہوا ہے. یہی صورتحال ذکر کی بھی ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ اللہ کی قربت اور اللہ کی ماحول میں ہوتے ہیں, اس کا آپ کے اوپر ایک اثر مرتب ہو رہا ہوتا ہے. اور جتنی کنسسٹنسی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کے فکر کا عمل بھی چل رہا ہو, یعنی فکر کا عمل کیسے چل رہا ہو, آپ کو یہ احساس ہو کہ ذکر آپ کو متاثر کیسے کر رہا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ گائیڈ اور استاد ہی بتاتا ہے جو ان منزلوں سے گزر چکا ہو. آپ کی شخصیت میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, ان میں کون سی تبدیلیاں وانٹیڈ ہیں اور کون سی انوانٹیڈ ہیں. دیکھیں نا, بعض اوقات ذکر کی کثرت آپ کو سلگش کرتی ہے, آپ کو پیسو کرتی ہے, آپ کو سوسائٹی میں آئسولیشن میں لے کے جاتی ہے. تو اس کے بہت سارے نیگیٹو افیکٹس بھی, میں فار سیک آف انڈرسٹینڈنگ عرض کر رہا ہوں. اب یہ کچھ چیزیں آپ کے اندر بہتری پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ کو نہیں پتا, وہ آپ کو دیکھنے والا بتائے گا. اس کی مثال ایسے سمجھیں, ایک بندہ نے جم جوائن کر لیا, اور جم ماسٹر جو ہے اس سے نہیں پوچھا میں نے کیا کر, اپنی مرضی سے ورزش شروع کر دی.
तो साल बाद क्या अशर होगा उसका, एक बाजू इतना मोटा होगा कि इतना सा होगा, किसी मसल का क्या अशर होगा, किसी का क्या अशर होगा, और जिंदगी सारी पर ठीक नहीं हो सकेगा। और अगर जिम में सिर्फ एक घंटा लगाए लेकिन उस्ताद की निगरानी में लगाए, उस्ताद देख रहा हो कि इसको किस मसल को कैसे इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथन करना है, कैसे बिल्ड करना है, तो साल बाद उसका नशे बदला होगा। ये सूरत हाल है कि जिक्र के आपके ऊपर जो असरात हो रहे हैं, आपको ये भी पता हो जिक्र आपको अफेक्ट कैसे कर रहा है। उससे क्या होता है कि आप अपनी बातन में उतरने के काबिल होते हैं। अपने बातन में उतरना ही आपको आपकी अनाए बसीर का शऊर देता है। देखें अनाए फाल और अनाए बसीर के टाइटल तो अल्लामा ने कायम किए ना हमारे, हमें समझाने के लिए। फिर असल तो आपकी अपनी जात की गहराई है। अल्लामा ने कहा ना कि अजमन बरून इस मंजिल कहे मन मन बे नसीबम राहे न याबम, मेरी मंजिल मेरे अंदर है, बदबख्ती बदनसीबी ये, मुझे ये नहीं पता जाना कैसे है, राहे न याबम राह नहीं मिल रहा जान का, बार तो कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। अब उस तक पहुंचने के लिए जिक्र आपको रास्ता देता है, और जब आप उस पर इस्तकामत अख्तियार कर लेते हैं तो फिर वो अहवाल और कैफियात इंसान पर मुनकशिफ होते हैं, और वह अहवाल और कैफियात इंसान का मुस्तकिल उसके शऊर का हिस्सा बनने लगते हैं, उसके लिए नॉर्मल लाइफ बनने लगते हैं। अब वो देखने में आम आदमी जैसा होता है लेकिन फिल असल आम आदमी नहीं रहता। वो मौलाना ने फरमाया ना कि कार पाका राज कार खुद मगीर अगरचे बाशद दर नविश्तन शेर शीर। जिन लोगों ने अपने आप को प्यूरीफाई कर लिया उन्हें अपने जैसा ना समझ, शेर और शीर लिखने में एक जैसे हैं। शीर को दूध को खाया जाता है और शेर बंदे को खा जाता है, बड़ा फ़र्क है। आप सलम की मेराज का जिक्र हुआ तो आप सलम की मेराज तो जनाब एक मुकम्मल मेराज है, वो अनाए बसीर अनाए वहाँ तो अनाए बसीर फाल का तस्वर ही नहीं है ना, वहाँ तो वहदत है, और वो जिस्मानी मेराज है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हुज़ूर के लिए हर उलूही तजर्बा एक नॉर्मल तजर्बा है, हिस्सी तजर्बा है, जिस तरह हमारे लिए आम मामूल की ज़िंदगी इसी तजर्बा है, तो मुख्तलिफ़ मामला है ना, वहाँ तो बिल्कुल मामला ही मुख्तलिफ है। और अगर ऐसा ना हो तो कुरान मजीद के कुरान होने की हकानियत क्या है आपके पास? देखिए हम तो कुरान मजीद को कुरान क्यों समझते हैं, आप सल्लम के कहने पर समझते हैं, और आप सल्लम ने इसको एक्सपीरियंस करके हमें डिलीवर किया हुआ है। कुरान मजीद हजूर का हाल है, ये हजूर की अपनी प्रैक्टिस्ड लाइफ है, प्रैक्टिस्ड लाइफ एक्सपीरियंस्ड लाइफ है। कुरान मजीद वो सीरत है हजूर की जो हजूर की एक्सपीरियंस्ड सीरत है, ये नरेशन नहीं है सिर्फ, जो हजूर में बीता है फिर कुरान बना है। तो मेराज जो है वो हजूर का फिजिकल सफ़र है, जिस्मानी मेराज है, हवा से रूहानी और हवा से जिस्मानी के साथ। और ये जवाब है इस बात का कि नोह इंसानी कुर्ब खुदावंद का सफ़र कामयाबी के साथ तय कर सकती है। मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, नस्बुल ऐन दो चीज़ें हैं। अल्लामा फरमाते हैं अगर ये मुल्लत अपने नस्बुल ऐन को भूल गई तो इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। क्या नस्बुल ऐन? नंबर वन आईने मुहम्मदी की हिफाजत और तौहीद की इशात, ये इसका नस्बुल ऐन है। और अगली बात आपने क्या शायद फरमाई, तौसी कैसे है? तौसी इस कायनात की तस्खीर के ज़रिए से है। अगर आप इस कायनात की तस्खीर नहीं करेंगे तो आपको कायनात की तस्खीर करने वाले खा जाएंगे, फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके वजूद तभी बचेगा जब आप इल्म टेक्नोलॉजी और उस कायनात पर हुक्मरानी के जरिए दुनिया को लीड करने वाले होंगे। ठीक हो गया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।